राइट एवरी वन वेलकम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की टॉक का मौजू है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। अल्लाह ताला ने हमें इंसानों को पैदा क्यों किया है, या हम कह सकते हैं जो इर्द गिर्द हमारे यूनिवर्स है इसको और हमें क्यों क्रिएट किया गया है। ये पहला पार्ट है, इंशाल्लाह उम्मीद होगी कि वो सेकेंड और थर्ड अगर हुआ उसमें से, तो क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो इसको फर्दर एक्सपेंड करने की जरूरत होगी। आप खुद भी महसूस करेंगे कि कई सवालात ऐसे हैं जो अभी आंसर नहीं हुए इस प्रेजेंटेशन में। तो पहले हम जाने से पहले मैं आपको आउटलाइन बताऊं, ये कुछ थॉट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि जो वर्ल्ड हमारे सामने है, इर्द गिर्द जो हमारे है, ये ह्यूमन इंटेलेक्ट की बनी हुई है और वो इसलिए बनी है क्योंकि हम सब के पास एक कॉग्निटिव सेल्फ है, यानी सोचने वाली जात है। और इस जो जात है हमारे पास, ये सवाल कुछ क्वेश्चंस और कुछ आंसर्स ढूंढती है अपनी आउटर वर्ल्ड में, ताकि ये देखे कि ये इसकी अपनी हकीकत क्या है, यानी कि अपनी हकीकत का मकसद वो ढूंढती है। ये हमारे कह रहे हैं इन बिल्ट है हमारे अंदर के हम सवालात करते हैं, उन सवालात का जवाब ढूंढते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जो ये सवालात के जवाब ढूंढता है इंसान या अपनी इसकी जात ढूंढती है, वो इसके अंदर होते हैं कि जो के बाहर ये ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि फिजिकल भी है ना, तो फिजिकल होने की वजह से ये बाहर की फिजिकल दुनिया में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है और अपने अंदर कम कॉन्सेंट्रेट करता है। तो इस तरह इसकी इंटेलेक्ट जो है वो डाइवर्ट कर लेता है अपनी अटेंशन को जो प्रॉब्लम इसकी जात ने और दूसरी जात ने दुनिया में क्रिएट किए होते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये सेल्फ जो है इसको इल्म होता है कि मैंने जब डेड हो जाना है तो मेरी जात यहाँ पे नहीं रहेगी, इस दुनिया से निकल जाएगी, ये उसे इल्म है, इसलिए वो फिजिकल डेथ को देखता है। लेकिन वो साथ ही ये भी सोचता है कि मेरा जो जात है ये भी गायब हो जाएगी। यहाँ पे मसला शुरू हो जाता है इसका अपने जिस्म के साथ। तो इसलिए जहां पे हमें जरूरत है कि अपनी जात को हम देखें कि क्या ये मौत से बच सकती है या नहीं, इसका काम ये है कि इट इज आवर ओन सेल्फ विच इज व्हाट चेंजेस आर रियलिटी, कि ये जो हमारे अंदर मुख्तलिफ तजर्बात से जो चेंज आ रही होती है क्या हम उनको नोटिस कर रहे होते हैं कि नहीं, क्योंकि वहां पे तो आंसर है इसका। तो यहाँ पे कुरान ने ये कहा है कि जिक्र के लफ्ज में उसने शामिल किया है कि ये जो हमने तुम्हें किताब दी है जात के तुम्हारी के मुतल्लिक, इसमें पर्पस ऑफ क्रिएशन भी दिया हुआ है, इसमें गाइडेंस भी दी हुई है तुम्हें, इसमें एक नई जिंदगी बनाने का तरीका भी बताया हुआ है। ये आज हम इसको देखना है और उस नई जो जात तुम अपने लाओगे उसी से तो दीन बनेगा, उसी से फिजिकल डेथ का जवाब मिलेगा और उसी से आपको पता चलेगा कि मौत के बाद अगली जिंदगी क्या है, उसकी इंडिकेशंस क्या है, उसकी पॉसिबिलिटी। तो ये जो है ये मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा हम तो वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज इश्यूज ऑफ द ह्यूमन सेल्फ इन टुडेज प्रेजेंटेशन। अभी हम कुछ वर्सेस देख लेते हैं ताकि सीन सेट हो जाए हमारा क्रिएशन के मुतालिक। पहली तो कुरान ने कह दिया कि जी क्रिएशन इसलिए हुई है आसमान और जमीन की बिलहक, ताकि हर इंसान को, हर सेल्फ को, नफ्स जिसके पास चॉइस और इंटेंट है, वो अपने अमाल का नतीजा उसको पता चल जाए और किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। नेक्स्ट है कि उसमें उसने साथ ही ये भी कह दिया है कि इसलिए भी हमने भेजा है क्योंकि मोमिनीन होंगे तो मोमिनीन को टीच भी किया जाए कि हकीकत क्या है, ठीक है। तीसरा उसने साथ ही कह दिया है कि ये जो जिन और इंसान, यानी कि जो लोग नजर नहीं आते, ये इन रेलेवेंस टू फिजिकल लाइफ है, आप ये इसको पूरा नास ही गिने, इल्ला ले याबदून, वो इसलिए उनको क्रिएट किया गया है ताकि वो एक कानून को फॉलो करके, यानी अल्लाह के कानून को फॉलो करके वो बन जाए जो कि अल्लाह की जात चाहती है कि वो बन जाए, ताकि उसकी क्रिएशन में वो हिस्सा ले सके। तो अबद का लफ्ज जो है इसको नॉर्मली ट्रांसलेट किया जाता है वर्शिप और दूसरे तरीके से रिचुअलाइज, तो उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खुद ही कुरान ने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, यहाँ पे ये वर्स है 1636, इसमें कहा है आबुदुल्लाह वजतानिबुत तागूता, तागूत होता है जो कि अपोजिट अल्लाह के निजाम के काम करता है, तो इसलिए उसको उसने खुद ही डिफ्रेंशिएट कर दिया है।
अबद का जो लफ्ज है उसका मैं ये कहूंगा कि हम सार उनको देख लें, उसका रूट भी देख लें। उसके रूट के अंदर है कि शुरू में मुश्किलात होती हैं, बाद में आसानियां पैदा हो जाती हैं। नेक्स्ट उसने कहा है, यहाँ पे ये देखें, हजरत इब्राहिम की जुबान से कल आया है जो अपने फादर को कहते हैं कि शैतान को मत फॉलो करो, क्योंकि शैतान जो है वो रहमान के खिलाफ है, यानी कि रहमान का जो एट्रीब्यूट है उससे हम फायदा नहीं ले सकेंगे अगर हम शैतान के पीछे चलेंगे। तो आज के जो नेक्स्ट है वो उसमें ये जो वर्स है ये हमने पहले देखी है, सानुरी हिमायात नफिलाफा के वफी अनफुसहिम हत्ता यतबयन लहुम इन्ना अन्नहुल हक, कि हमारा काम ये है कि हम जितनी जल्दी हो सके बाहर की दुनिया और अपनी दुनिया को एक्सप्लोर करें ताकि उससे पूरा फायदा ले सके। नेक्स्ट वर्स जो है वो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग ये वर्स है, सूरह जुमा की वर्स है, जिसमें कुरान ने कहा है कि ये जो मजहबी लोग हैं, इसमें ज्यूस की बात की है, लेकिन सारे मजहबी लोग कभी भी मौत की ख्वाहिश नहीं करेंगे, इसलिए कि जो उन्होंने अमाल आगे भेजे होते हैं वो गलत होते हैं। यानी अमाल का और ये जो मौत का खौफ है इसका बड़ा डायरेक्ट लेकिन इनडायरेक्ट तअल्लुक है। अगर मौत का खौफ हायर है इसका मतलब है अमाल ठीक नहीं है, अगर अमाल हायर जाएंगे तो मौत का खौफ कम होता जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह इसको किसी और वक्त हम डील करेंगे। अलीमुन बिज़ालिमीन, क्योंकि ये इनजस्टिस करते हैं, गलत अमाल करते हैं, इसलिए इनके अंदर दिल में मौत का खौफ आ जाता है। ये बड़ा इंट्रिंसिकली लिंक्ड साइकोलॉजिकल इशू है। तो ये है जी आउटलाइन की प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन, मेटाफोरिकल अकाउंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ एडम, ये वर्सेज हैं कुरान की, उनमें हम देखेंगे। अल्लामा इकबाल ने इस पे काफी लिखा है, उनका जो लेक्चर्स हैं चैप्टर 3 और 4 वर्थ विजिटिंग। वर्स्ट एंड बेस्ट ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड क्या है, यानी कि जो एक गैर कुरानी दुनिया है इसमें भी कुछ गुड पॉइंट है और वर्स्ट चूंकि ज्यादा है, तो हम बड़ा ब्रीफली सम ऑफ द पॉइंट्स विल लुक एट। ह्यूमन क्रिएशन का पर्पस क्या है, 3 लाइंस ऑफ थिंकिंग है, जिसमें मजहब भी आ जाता है, साइंटिफिक पीपल ऑल्सो थिंक एंड देन व्हाट डज द कुरान से। लाफ रिक्वायर्टल इट्स फंक्शनिंग, दो हमने पहले ये कवर किया हुआ है लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट से इस पे देखेंगे। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन चॉइस एंड इंटेंट, कि अल्लाह ने ये चॉइस एंड इंटेंट हमें क्या क्यों दिया है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी जो कि जिसमें ये इतनी जो है ये जो दुनिया में हम देखते हैं मसले मसाइल शायद ना होते, क्वेश्चन मार्क है। पॉसिबल ऑप्शंस इन क्रिएशन क्या है, हो सकती थी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम अल्लाह पॉइंट ऑफ व्यू, और हमारे कॉन्शियसनेस के कॉन्टेंट क्या है, कैसे ये काम करते हैं या क्या होने चाहिए या क्या है इस वक्त, और कंक्लूजन्स। पहला ये पॉइंट है कि ओनली नॉन क्रिएशन टू पोजेस द एबिलिटी टू चूज एंड देन डिसाइड, हम सिर्फ इंसान वाहिद क्रिएशन है जो इस वक्त हमें इल्म है कि जिनके पास चॉइस भी है और इंटेंट भी है। सेकंड ये है कि जो कुछ हमारे अंदर होता है उसको हम बाहर कह भी सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, जैसे ये मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ और लिखा भी हुआ है, ये बड़ी यूनिक एबिलिटी है, इसके बगैर चॉइस एंड इंटेंट मीनिंगलेस है। As an intellect supported by a well-designed physical body, जो हमारे पास जिस्म है, आप देखें कि ये बड़ा बड़ा well-designed है, बड़ा creative है, इसी की वजह से हमने दुनिया का face बदल दिया है। लेकिन इतना अच्छा जिस्म होने के बावजूद भी इसको मौत आ जाती है, तो इसकी कोई reason होनी चाहिए। तो उस पे हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। ये बड़ा प्रोबिंग और इंक्विजिटिव इंटेलेक्ट है, यानी कि हमारे पास जो अकल है वो सवाल पूछती है और उन सवालात के जवाब भी ढूंढती है, जो सवाल पूछती है उसमें से और सवाल निकलते हैं। तो सवाल जो है ना ये इंसानी जिंदगी में कभी भी कम नहीं होंगे, ये हमारे साथ अगली दुनिया में भी हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जहां पे सवाल नहीं पूछे जाते वहां पे क्रिएशन नहीं होती। नेक्स्ट है कि हम बड़े कॉन्शियस होते हैं पासिंग टाइम के, आप देखें कि हम हर वक्त, क्योंकि हमारी फिजिकल डेथ है जिसकी वजह से एक डेडलाइन है, और डेडलाइन जब हो किसी चीज में भी, दुनिया में भी कामों में आप डेडलाइन दे दें किसी को, तो ये पासिंग टाइम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके मतलब हम बड़े कॉन्शियस हैं, और इसलिए हमारी जिंदगी में हमें चाहिए कि डेडलाइंस बनाएं अपने लिए कि ये काम करना है उसको जल्दी खत्म करें, उसको लंबा ना करें। अगर काम 3 दिन में हो सकता है तो 3 दिन में करें, उसको 3 साल में ना मुकम्मल करें।
is very conscious of its own individual existence, has numerous psychological traits. ये हमने पिछले पहले जो presentation हुई थी बच्चों के मतलब parenting के ऊपर उसमें हमने इसमें cover किया था इस aspect को. हमारे पास आई जो है बड़ी strongly identified है. हमें इल्म है कि हम जिंदा हैं और उसके साथ जो associated हमारी अकल है, जज्बात हैं, ख्वाहिशात हैं, उनका भी हमें इल्म होता है. ऐसे जिंदगी हम गुजारते हैं तो उन सारी चीजों का इल्म होता है. अभी हम देखते हैं कि ये वर्सेस पे हम जाते हैं. अगर आपको याद हो सूरह अल बकरा की आयतें हैं, ये 230 से शुरू होता है. एक सीन आप जेन में ले आए, सेट किया हुआ है. वाइज काल रब्बुक अल मलाइकाते इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा. तो अल्लाह की ज़ात कह रही है कि मलाइका वहां पे थे तो हमने उन्हें बताया कि हम एक जमीन के ऊपर जो पहले मखलूक है उसके बाद एक नई मखलूक अभी बनाने वाले हैं. उनके पास चॉइस और इंटेंट भी है, ये इसके अंदर इनबिल्ट है, बाकी वर्सेस उसको सपोर्ट करती हैं. तो उन्होंने आगे से मलाइका ने ये कहा, क्योंकि मलाइका तो क्रिएशन को देख रहे थे, तो उन्होंने कहा, और जगह भी ऐसी क्रिएशन होगी, तो उन्होंने कहा कि आप ये बना रहे हैं इस इंसान को, लेकिन ये जो है ये तो बड़ा फसाद मचाएगा और जमीन के अंदर खून बहाएगा. आगे आप देखें, आगे उन्होंने कहा कि नाहनु नसब्बिहु बिहम्दिका व नुकद्दिसु लक, कि हम तो जो काम आपने हमें दिए हुए हम पूरे कर रहे हैं और आपकी क्रिएशन में पूरी तरह प्योरीफाई उसको कर रहे हैं, कोई उसमें मसला मसाइल तो है नहीं. तो ये जो खलीफा है आ रहा है ये तो बड़े मसाइल क्रिएट करेगा. आप देखेंगे यहाँ पे दोनों के दरमियान गैप है. अल्लाह की जात ने आगे से ये नहीं कहा मलाइका को कि ये नहीं करेगा. इट सीम्स कि अल्लाह की जात उनके साथ एग्री किया कि हाँ ये करेगा, लेकिन आगे कह दिया इन्नी आलमो माला तालमून, लेकिन मुझे उस चीज का इल्म है जिसका तुम्हें इल्म नहीं है. यानी मलाइका के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि जो क्वेश्चन करके पता कर सके. चॉइस और इंटेंट नहीं है, जैसे बना दिए वैसे ही है. आगे जो है उसमें नेक्स्ट वर्स में कहा वा अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, तो इंसान को अल्लाह ने कहा कि मैंने इसको पूरी करैक्टराइजेशन जो थी जिसकी उसे जरूरत थी चीजों की वो उसके अंदर इल्म रख दिया, पोटेंशियल रख दिया. वही जुबान भी है, लिख भी सकता है, हर चीज को करैक्टराइज कर सकता है, चीजों को नाम देता है. साइंस की दुनिया आप देखें, हर बाकी जितनी साइंसेज उनकी दुनिया देखें तो वो सारा ये क्लियर हो जाएगा, और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है. उसके बाद उसने मलाइका के सामने उनको प्लेस कर दिया और उनसे कहा कि आप बताओ ये जो उनके पास है ये एबिलिटी तुम्हारे पास तो नहीं है. तो उन्होंने एग्री किया इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ. तो वो नहीं बता सकते थे. उन्होंने आगे से कहा कालू सुभाना काला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कि मुझे हमें तो इल्म है, जो आपने इल्म हमें दिया है हम उससे ज्यादा एक्वायर नहीं कर सकते, और आप अलीम भी हैं और हकीम भी हैं. यहाँ पे देखें हकीम आ गया, यहाँ पे अभी वो नेक्स्ट बात उस पर वेरी इंपॉर्टेंट कि आगे से अल्लाह ने कहा कि क्या नाम है आदम को, कि तुम इनको ये नाम करेक्टराइजेशन बता दो जो अभी तक चल रही है. मलाइका देख रहे हैं अभी भी ये करेक्टराइजेशन चल रही है. ये आप कह लें ये प्रेजेंटेशन भी उसी का एक हिस्सा है. तो आगे से कह दिया कि तुम्हें हमने कहा नहीं था कि ये जो क्रिएशन है इसकी 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 बड़ी इंपॉर्टेंस है और हमें इल्म है जो भी समावात और अर्थ में. देखिए ये समावात वाल अर्थ को आदम की क्रिएशन के साथ लिंक कर दिया. वह आलम व मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून, यहाँ पे इंसान को बता दिया और मलाइका को भी बता दिया कि मुझे इल्म है जो कुछ मैंने क्रिएट किया है और उसके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. यहाँ पे नॉर्मल तर्जमा किया जाता है कि आप जो कुछ छुपाते हो, छुपाना क्या है, ना इंसान को छुपा सकता है ना मलाइका छुपा सकते हैं, अल्लाह की क्रिएशन है उसको इल्म है. तो इसलिए ये जब अलीमुल हकीम कुरान कहता है तो वहां पे वो हर चीज को क्लियर कर देता है. नेक्स्ट वर्स जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है. वाइस कुलना लिल मलाइकात इस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, तो मलाइका को कह दिया कि याद है वो पीछे कहा है कि वो कुद्दूस भी वो काम भी करते हैं और सब वो उनकी अपना हम्द भी करते हैं. तो वो सारी उन्होंने कहा कि ये तुम अपनी क्वालिटीज लेके आदम की हेल्प के लिए पहुंच जाओ, ठीक हो गया. लेकिन साथ ही कह दिया कि उसकी अपनी जो ख्वाहिश थी इब्लीस
वो होपलेस होगी, उसने कहा ना ये काम मैंने नहीं करना जो तुम मुझे दे रहे हो, ये जो करेक्टराइजेशन ऑफ वो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, उनमें से कुछ ने कहा कि ये इबलीस आप कह दें इल्ला इबलीस, उसने नहीं कहा। अबा वस्तक भरा, वो उसने रिफ्यूज कर दिया, अगेंस्ट हो गया, और एज अ रिजल्ट वो ईगो सेंट्रिक बन गया। ये हमारी वो है बेसिक डिफॉल्ट पोजिशन है। वकाना मिनल काफिरीन, इस तरह वो उन फायदों से परे हो गया जो उसको मिलने वाले थे मलाइका को साथ लेके और जो अल्लाह ने कहा था उसको फॉलो करके। वकुलना या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुक, अब यह देखें आदम के साथ उसकी जो वुमेन है वो इंट्रोड्यूस होगी, सो मैन एंड वुमेन हो गए, कंप्लीट हो गया, सेम इक्वल। सो आदम से मुराद बोथ मैन एंड वुमेन आप ले सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेटिव है। वज़ौजुक अल-जन्नत वकुला मिन्हा रागदन हैसशे, तुम उनको कहा कि ये आप जन्नत में रहोगे और यहाँ हर चीज तुम्हें मिलेगी अगर तुम ये करोगे। वला तकरबा हाज़े शजरा था, अगर तुम अपने आप को डिवाइड नहीं करोगे। याद है ऊपर मलाइका ने कहा था कि ये खून बहाएगा और फसाद करेगा, तो ये शजरा उसके साथ आप रिलेट करें तो बात समझ आ जाती है, वही बात होगी मिनज़ ज़ालिमीन में से हो जाओगे, तुम अपने लिए बड़े मसले क्रिएट कर। साथ ही कह दिया कि लेकिन उन्होंने शैतान को फॉलो किया। ये देखें ये शैतान यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे इब्लीस हुआ है, तो इब्लीस का मतलब होता है होपलेसनेस, शैतान का मतलब होता है इम्पल्सिवनेस। ये अल्लामा परवेज़ की किताब इब्लीस और आदम जो है ह्यूमन सेल्फ एंड इब्लीस में बड़ी डिटेल में ये डिस्कस्ड हुआ है, तो इट्स वर्थ हैविंग अ लुक इन दैट। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन इमोशंस के या डिजायर्स के, एक इब्लीस का एस्पेक्ट है एक शैतान का। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उसने अपने डिजायर्स को फॉलो किया, वो जन्नत में से निकल गया जिसमें उनको रखा गया था। तो यहाँ पे फिर कुरान ने कह दिया कि कुल नाह पे तू के नीचे चले गए तुम अपनी पोजीशन से, जिस पोजीशन पे तुम्हें राइज करना चाहिए था उस पे राइज नहीं तुमने किया, तुम नीचे चले गए, तुमने डिफरेंट पाथ ले लिया, और एज अ रिजल्ट तुम्हारे दरमियान वेजेस पड़ गए बाद कुमले बाद इन आपस में। तो ये जो हमें दुनिया नजर आती है इर्द गिर्द, ये डिफॉल्ट इसकी पोजीशन है। वला कुम फिल अर्द मुस्तकर मताउन लाहिन, देखें उसको एड्रेस हो रहा है आदम को कि ये जमीन जो है ये तुम्हारे लिए एक टेम्प्रेरी मुस्तकर होगा और यहाँ पे खास वक्त के लिए तुम्हारे पास वो होगी। तो उसको उसने इस दुनिया से अलहदा करके एड्रेस किया हुआ है। ये जहन में रखें, जो हमारी आगे वर्सेज आएंगे इसमें इंसान को सेपरेट एड्रेस हो रहा है फ्रॉम हिज बॉडी। उसके बाद फाइनली यहाँ पे कह दिया उसने कुल नाह भी तुम मिन हजमिया, तुम सारे के सारे, तुम्हारी डिफॉल्ट पोजीशन ये है कि तुम चूंकि तुमने इब्लीस को फॉलो किया है शैतान को फॉलो किया है, इसलिए तुम्हारे वो जो है वो तुम्हारे लिए भी मसले क्रिएट तुमने अपने लिए कर लिए, लेकिन ये तुम्हारी फाइनल पोजिशन नहीं है। इसमें मैंने 237 वर्स नहीं लिखी, वो आप खुद देख ले जिसमें आदम ने asked for guidance. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہا کہ تمہارے پاس ہدایت آئے گی ہماری طرف سے، جو اسے فالو کریں گے ان پہ خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ تو قرآن میڈ اٹ ویری کلیئر کہ یہ خون بھی بہائے گا، یہ فساد بھی کریٹ کرے گا، یہ خوف اور حزن بھی کریٹ کرے گا، ایکسیپٹ ان دوز سرکمسٹانسز جہاں پہ یہ ہدایت کو فالو کرے گا۔ تو یہ ہم نے ابھی دیکھنا ہے کہ وہ ہدایت वो जो हदायत है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है, अभी अलामा इकबाल ने कुछ चीजें अपनी बुक में लिखी है, तो उसमें पहली जो है उसमें उन्होंने कहा है कि इट इज नॉट द ओरिजिन ऑफ अ थिंग दैट मैटर्स, इट इज द कैपेसिटी द सिग्निफिकेंस एंड द फाइनल रीच ऑफ द इमर्जेंट दैट मैटर्स। कि ये इसमें नहीं हमें पढ़ना चाहिए कि हम आए कहां से हैं, क्रिएट कैसे हुए हैं, इवन पैदा कैसे हुए हैं। असल चीज जो है वो ये है कैपेसिटी सिग्निफिकेंस एंड द फाइनल रीच ऑफ द इमर्जेंट, जो हम में से निकल सकता है, जो हमारी जात आगे जा सकती है, उसकी शेप क्या बननी है। नेक्स्ट उन्होंने कहा इंडीड द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ शोज दैट दो इन द बिगिनिंग द मेंटल इज डोमिनेटेड बाय द फिजिकल, के शुरू में आप देखें बच्चे भी फिजिकल होते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़हनी एबिलिटीज डेवलप होती हैं। द मेंटल एज इट ग्रोज इन पावर टेंड्स टू डोमिनेट द फिजिकल, तो जो जो हमारी मेंटल एबिलिटीज ग्रो होती हैं पावरफुल होती हैं वो फिजिकल के ऊपर काबू पा लेती हैं, मे इवेंचुअली राइज टू अ पोजीशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दिस इज अ ब्यूटीफुल वो है उसको सम अप किया है कि
इस हद तक भी हम अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं कि वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, यानी कि मौत के बाद वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो इस वक्त जो इंसानी दुनिया की वो है कंडीशन है वो सारी ये है कि हमने फिजिकल पे टू मच एम्फेसिस दिया हुआ है। Thus, the element of guidance and directive control in the ego's activity, ego se yahan murad self hai, insani zaat hai, clearly shows that the ego is a free personal causality. Ye hame nazar aati hai ki jo hum karte hain uske natija nikalta hai. He shares in the life and freedom of the ultimate ego. Ultimate ego yahan pe Allah ki zaat hai. By permitting the emergence of a finite ego capable of private initiative has limited this freedom of his own free will. Ye bada ब्यूटिफुल समड अप सेंटेंस है जिसमें अलामा इकबाल ने यह कहा है कि अल्लाह ने खुद अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी और अपनी फ्रीडम में इंसान को जिंदगी दी है, इंसान को क्रिएट किया है ताकि इंसान जो है वो अपना प्राइवेट इनिशिएटिव यूज करके इस अल्लाह की जो 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 जिंदगी है या उसमें वो पार्टिसिपेट करे, और इसकी वजह से अल्लाह ने खुद अपनी जो फ्रीडम है या चूज है उसको लिमिट दी है। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि अल्लाह की जात ने खुद उसको लिमिट किया है अपनी मर्जी से। क्वेश्चन यहाँ पे आता है फिर कि क्यों, वो आगे हम आएंगे उस पर। तो यहाँ पे उन्होंने वर्स कोट किया है जो बड़ी फेमस है कि हक आ गया है तुम्हारे रब की तरफ से, जिसकी मर्जी है वो ईमान ले आए इस पे और जिसकी मर्जी है वो कुफर कर ले और उसके नतीजे में उसको नतीजा मिल जाएगा। द अनसीजिंग रिवार्ड के यहाँ पे ये कहा है कि जो अल्लाह की तरफ से जब उसका रास्ता आप चलते हो तो वो अजर उन गैर ममनून जिसको कहा है वो रुकता नहीं है। मैन कंसिस्ट इन हिज ग्रेजुअल ग्रोथ इन सेल्फ पोजेशन, वो इंसान अपनी जो जात है उसकी जो कुव्वत है उसकी जो पोटेंशियल है उनको खुद अपने हाथ में ले आता है, यानी कि जो जात हम डेवलप कर रहे हैं जब हम इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपनी जात से हमारी खुद शनाई भी होती है और उसका कंट्रोल भी हासिल हो जाता है और वो एक यूनिकनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ हिज एक्टिविटी एज एन ईगो, तो वो जो है उससे उसको पूरा पता चल जाता है कि मैं अपनी जात के ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल हो गया है। ये है उसमें जो जो यहाँ पे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट पॉइंट, जो My desire for a certain thing is essentially mine. यहाँ पे उन्होंने उसको बड़ा अच्छा वो किया कि मेरी ख्वाहिश मेरी है। सारी दुनिया अगर किसी चीज की ख्वाहिश करती है और वो ख्वाहिश उसकी पूरी भी हो जाती है, अगर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी दुनिया की ख्वाहिश होती है तो होती रहे पूरी। तो यहाँ पे आप देखें कि द डेंटिस्ट फॉर एग्जाम्पल, वो आगे फिर मिसाल देते हैं कि अगर एक डेंटिस्ट जो है वो आप उसके पास जाते हैं और आपके दांत में दर्द है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारी मेरी टूथ एक को कभी भी फील नहीं कर सकेगा क्योंकि जो दर्द है वो तो मेरे अंदर है, मेरा मसला है। माई प्लेयर्स पेन्स एंड डिजायर्स आर एक्सक्लूसिवली माइन, फार्मिंग अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई प्राइवेट ईगो अलोन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि हमारी ख्वाहिशात हमारी अंदर की जो सूरत हाल है, हैप्पीनेस है, पेन्स है, वो सब मेरी हैं। माय फीलिंग्स, हेट्स एंड लव्स, जजमेंट्स एंड रेजोल्यूशंस आर एक्सक्लूसिवली माइन। इसमें कोई शेयर नहीं कर सका। ये एक ऐसी यूनिटी ऑफ आई है, मेरी है, कि हमें इसको पूरी तरह हर वक्त कॉन्शियस रहना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने ब्यूटीफुली इसको सम अप किया है, अल्लाह गॉड हिमसेल्फ कैन नॉट फील जज चूज फॉर मी व्हेन मोर देन वन कोर्स ऑफ एक्शन आर ओपन टू मी। अल्लाह की जात हमारे लिए कोई डिसीजन नहीं बना सकती अगर हमारे पास मोर देन वन चॉइस अवेलेबल है। वो हमारा मसला है, हमें चाहिए कि उसको अंडरस्टैंड करें। फिर यहाँ पे कह दिया कि एवरीवन एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिस्पोजिशन बट योर रब नोज बेस्ट हु इज बेस्ट गाइडेड ऑन द पाथ। तो ये है कि अल्लाह की जात को तो इल्म है कि क्या नाम है हम कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा काम है, हमें खुद पूरा इल्म होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और कौन सा रास्ता ले रहे हैं अपनी जिंदगी में। यहाँ पे फिर उन्होंने कहा दस माई रियल पर्सनैलिटी इज नॉट अ थिंग, कि पर्सनैलिटी कोई चीज नहीं है, इट इज एन एक्ट, ये वो अमल है जो हम करते हैं। माई एक्सपीरियंस इज ओनली अ सीरीज ऑफ एक्ट्स म्यूचुअली रेफरिंग टू वन अनदर एंड हेल्प टूगेदर बाई द यूनिटी ऑफ अ डायरेक्टिव पर्पज, कि मेरी पूरी जिंदगी एक अमाल की सीरीज है, एक अमल के बाद दूसरा तीसरा चौथा, और वो सारे डायरेक्ट हो रहे हैं कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है।
अगर मकसद गलत है तो सारे अमाल भी उसी खाते में चले जाएंगे, अगर मकसद ठीक है तो जो अमाल हम कर रहे हैं वो उस खाते में आ जाएंगे। यू कैन नॉट परसीव मी लाइक अ थिंग इन स्पेस, ये जो फिजिकल से देखें आपको वो परे ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कोई हवा में कोई ऐसी चीज नहीं है, और सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड टेम्पोरल ऑर्डर के तजर्बात हैं जो वक्त के साथ हम गेन कर रहे हैं। आपको चाहिए या मुझे चाहिए कि मैं अपने आप को उन चीजों में जज करूं जो मेरी जजमेंट्स हैं, जो मेरे चॉइसेस हैं, जो मेरे मकासद जिंदगी हैं और जो कुछ मेरी डिजायर्स हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको यहाँ पे उन्होंने सम अप किया है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है, लाइफ ऑफर्स अ स्कोप फॉर ईगो एक्टिविटी एंड डेथ इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ द ईगो। यानी जिंदगी जो है ये हमें एक अरेना, एक ग्राउंड प्रोवाइड कर रही है जिसके अंदर हम अपनी जिंदगी का खेल खेल रहे हैं। खेल तो नहीं इसे कहना चाहिए, सीरियस बिजनेस है। तो डेथ जो है ये पहला हमारा टेस्ट होगा कि क्या हमने इसको कामयाबी से अचीव कर लिया है या नहीं। ये सिंथेटिक, सिंथेटिक वो चीज होती है जो हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं। देयर आर नो प्लेजर गिविंग एंड पेन गिविंग एक्ट्स। इट्स अ ब्यूटीफुल सेंटेंस हियर कि जिंदगी में खुशी देने वाले या गम देने वाले एक्ट्स नहीं होते। सिर्फ दो किस्म के एक्ट्स होते हैं, वो जो जात को ऊपर लेके जाते हैं या वो जात को खत्म कर देते हैं। ये हमारा अमल जो है ये हमें ईगो की डिसोल्यूशन यानी ईगो की या जात की तबाही के लिए तैयार करता है या इसको डिसिप्लिन करता है ताकि ये अगली जिंदगी में डिसिप्लिन से फॉर अ फ्यूचर कैरियर। यहाँ पे कैरियर का वर्ड यूज हुआ है कि ये सीरियस बिजनेस है। द प्रिंसिपल ऑफ द ईगो सस्टेनिंग डीड इज रिस्पेक्ट फॉर द ईगो इन माई सेल्फ एज वेल एज इन अदर्स। उसको यहाँ पे वो सम अप करके कहते हैं कि ईगो को चाहिए कि जात को उस लेवल पर ले जाए जहां पे उसके अंदर अपने लिए रिस्पेक्ट हो और अपने जैसी दूसरी ईगो के लिए रिस्पेक्ट हो जाए। यहाँ पे उन्होंने सम अप किया है, पर्सनल इमोर्टैलिटी देन इज नॉट आवर्स एज अ राइट, इट इज टू बी अचीव्ड बाय पर्सनल एफर्ट। तो अगर हम गैर फानी रहना चाहते हैं और कोई अपनी अल्लाह की क्रिएशन है उसमें कोई रोल प्ले करना चाहते हैं तो ये हमें ऑटोमेटिक राइट नहीं मिलेगा, इसको हमें अचीव करना पड़ेगा बाय पर्सनल एफर्ट। और मैन इज ओनली अ कैंडिडेट फॉर इट। तो मैन जो है अल्लाह की क्रिएशन में सिर्फ एक वो क्रिएशन है जो कि उसके लिए कैंडिडेट है। इस तरह की और क्रिएशंस भी बहुत सारी होंगी जो आल्सो इमोर्टैलिटी के लिए स्ट्रगल कर रही होंगी। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ द कुरान द ईगोस रीएमर्जेंस ब्रिंग्स हिम अ शार्प साइट। के यहाँ पे जब इंसान जो है वो इस रास्ते पे चलता है तो उसकी साइट बड़ी शार्प हो जाती है। ये आखिरत के लिए भी कहा गया है, very much in my view applicable here as well, whereby he clearly sees his self-made fate fastened round his neck. कि जब इंसान ये देख लेता है, इतनी तेज इंसान की ज़हन हो जाता है कि वो देख लेता है कि उसके जो अमाल उसके इर्द गिर्द गर्दन के बांधे हुए हैं वो क्या है, और उसी से उसे पता चल जाता है कि हेल और हेवन जो है ये स्टेट्स नहीं है, कोई जगह नहीं ना localities नहीं है, ये उसकी इनर स्टेट्स है कि आया वो किस साइड पे किस तरह उसकी जिंदगी जो है वो चल रही है। द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कुरान आर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एन इनर फैक्ट। फैक्ट कि ये एक हकीकत है जो इंसान के अंदर होती है। वो जो वहां पे उन्होंने पहले ऊपर कहा है कि उसको सेल्फ पोजेशन लेनी चाहिए अपनी जात की, आई किंडल्ड फायर, ये इस तरह है जैसे कि अगर वो गलत कर रहा है तो वो एक आग की तरह है जो दिलों को पहुंचती है, और ये वो स्टेट होती है जिसमें इंसान रियलाइज करता है द पेनफुल रियलाइजेशन ऑफ वंस फेलियर एज अ मैन के इंसान फेल हो गया है, अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। ये वर्स 104:17 से है। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे एक दो वर्सेस कोट किए हैं कि व्हाट व्हेन वी डाई एंड बिकम डस्ट दैट इज अ रिटर्न फॉर वी ऑलरेडी नो हाउ मच ऑफ देम द अर्थ टेक्स अवे विद अस इज अ रिकॉर्ड गार्डिंग। यहाँ पे इंसान कहता है कि क्या मैं जब मिट्टी और वो बन जाऊंगा, डेड हो जाऊंगा तो मिट्टी बन जाऊंगा तो मैं दोबारा कैसे जिंदा होऊंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंसान सारी कोशिश उसकी अपने जिस्म के ऊपर है कि ये जिस्म बन गया मर गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। वो जो अंदर उसकी हकीकत है जात की उसको वो भूल रहा है कि वो तो नॉन फिजिकल है, उसका बॉडी के साथ क्या तल्लुक है, उस पर गौर करो वहां से तुम्हें आंसर मिलेगा। उसका सोचता नहीं है, बस बॉडी को समझ लिया, बॉडी के पीछे चल पड़ा, सारी जिंदगी उसी तरह गुजारती। तो यहाँ पे कुरान ने कह दिया कि तुम गलत जगह पे देख रहे हो,
तुम देख रहे हो कि ये जमीन जो है इसमें इंसान जा रहा है तो वहां से क्या निकलेगा, वहां से वाकई कुछ नहीं निकलेगा। असल बात यह है कि ये रिकॉर्ड है जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी अपनी जो हकीकत मान रही है उस पर जरा गौर करो। और ये सूरह यासीन में बहुत अच्छी तरह इसको एक डिफरेंट स्टाइल में प्रेजेंट किया है। टू माई माइंड, आगे अल्लामा इकबाल ने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, टू माई माइंड दिस वर्स क्लियरली सजेस्ट दैट द नेचर ऑफ द यूनिवर्स इज सच दैट इट इज ओपन टू इट टू मेंटेन इन सम अदर वे द काइंड ऑफ इंडिविजुअलिटी नेसेसरी फॉर द फाइनल वर्किंग आउट ऑफ ह्यूमन एक्शन इवन आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन। वो ये कहते हैं कि ये वर्स ये बता रही है कि ये जो कॉस्मोज है हमारे इर्द गिर्द, इनमें एबिलिटी है कि किसी तरह हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसको रिकॉर्ड कर लें इवन जब ये खत्म भी हो जाए। और इस तरह की बातें हो रही हैं कि जी ये जितनी भी आवाजें हवा में जाती हैं क्या हम इनको रिट्रीव कर सकते हैं, ये तो फ्यूचर का कोई इंसान ही बताएगा। What that other way is, we do not know. इस वक्त हमें इसका इल्म नहीं है। Nor we do gain any further insight into the nature of the second creation by associating it with some kind of body, however subtle it may be. अभी हम इस वक्त नहीं ये बता सकते कि जो नेक्स्ट लाइफ होगी उसमें किस किस्म की बॉडी हमें मिलेगी, किस किस्म का मीडियम मिलेगा टू मैनिफेस्ट आवर कॉन्शियसनेस। द नॉलेजेस ऑफ द कुरान ओनली सजेस्ट इट एज अ फैक्ट। कुरान सिर्फ हमें ये बताता है कि ये फैक्ट है। They are not meant to reveal its nature and character. तो इस स्टेज पे वो हमें इसके नेचर और कैरेक्टर का इल्म नहीं है। अभी हम देखते हैं कि वर्स्ट एंड द बेस्ट क्या है मैनमेड वर्ल्ड में। मैनमेड लॉज आर कीपिंग मैनकाइंड हेल्थ विद इन चेंज। ये हमें नजर आता है, गुलामी है ये हमें नजर आ रही है, मेंटल भी है और फिजिकल भी है। अभी तो लॉकडाउन में हम वैसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैनमेड सिस्टम्स प्रोग्रेसिवली गो फ्रॉम बैड टू वर्स। ये याद रखें जब रास्ता इंसानों ने गलत लिया हो तो उसमें लेटर ऑन अच्छाई नहीं आती, मुश्किलात ही बढ़ती हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स और कैओस बढ़ता है। दिस ऑलवेज जनरेट फियर एंड ग्रीफ। हमने ये देख लिया है, कुरान ने कह दिया है कि ग्रीफ जो खौफ एंड हुजन जो है वो इंसानी दुनिया जब इंसानी अकल की बनाई होगी उसमें ऑलवेज होगा। इंसान खुद क्रिएट करता है दूसरे इंसानों के लिए कि खौफ क्रिएट करो, उनको डीमोरलाइज करो, क्योंकि इस तरह उनको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। लाइफ इन द हेयर आफ्टर एग्जिस्ट, हाउएवर मोस्ट नेवर हैव अ चांस टू थिंक अबाउट द एक्विजिशन डेवलपमेंट ऑफ देयर सेल्फ, अ वेरी एनिमलिस्टिक एग्जिस्टेंस। तो लाइफ इन द हेयर आफ्टर का तो सवाल ही नहीं है, ये सारी की सारी जिंदगी इसी पे बेस्ड है कि मौत के साथ इसने खत्म हो जाना है। Most human beings never have a chance to develop even their basic potentials which can help them to live even this earthly life with some peace and quiet. Continuous underlying fear of death makes them conscious of their own mortality and thus urgency to get maximum out of this life. Ye is tarah ke terms hum sunte rehte hain, this is my life, this is the only life I have. To ye jo hai insaan ki sari concentration is pe hai. Wo jo inner reality ke jo sawal aate hain unko wo पूरी तरह प्रो भी नहीं करता। सारी की सारी लाइफ जो है हमारी वो बायस्ड है टुवर्ड्स रिच एंड पावरफुल एट द टॉप। नेक्स्ट सेंस लाइफ इज अज्यूम्ड टू बी फिजिकल, चूंकि हम समझते हैं ये तभी जिंदगी है, इसलिए इसके वजह से हमने दुनिया में बहुत कुछ डिस्कवर भी किया है और डेवलप भी किया है। ये एक गुड पॉइंट है इसमें। जितने मॉडर्न डे डिस्कवरीज हैं साइंस में वो इसी जेन की पैदावार है कि हमने यहीं पर रहना है, इसलिए जो भी कन्वीनियंट है उसको क्रिएट करो। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। साइंटिफिक एडवांसमेंट हैज लेड टू द वीकनिंग ऑफ द रिलीजियस हेजेमनी। ये भी एक उसमें से गुड पॉइंट निकल रहा है कि जो रिलीजियस साइड है वो ज्यादा एक्सपोज हो रही है, सेकुलरिज्म सामने हमारे आ रहा है। ये आप रिलेटिवली इनको ले इन पॉइंट्स को। कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन आ गया है, लेकिन कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन जो है उसने दुनिया को तो इकट्ठे किया है लेकिन उसके साथ सर्वेलेंस भी बढ़ गई है, मॉनिटरिंग भी बढ़ गई है, ब्लैकमेलिंग भी बढ़ गई है और प्रोपेगेंडा का इफेक्ट भी बढ़ गया है। यानी कि अगर इंसान के अंदर अपना सेल्फ मैकेनिज्म नहीं है स्ट्रॉन्ग तो वो किसी भी चीज से इन्वेड हो सकता है, क्योंकि जब अंदर हमारा खाली है तो फिर उसमें जो मर्जी कोई डाल दे। नेक्स्ट है न्यू ट्रीटमेंट्स डिस्कवर्ड एंड डेवलप्ड अंडर द गाइज ऑफ मेकिंग मोर मनी स्टिल हैज हेल्प्ड फाइंड ट्रीटमेंट्स फॉर मेनी डिजीजेस। कुछ डिजीजेस तो इन्होंने क्रिएट भी की है तो उनकी फिर ट्रीटमेंट्स भी तो ढूंढनी है ना, क्योंकि पहले मसला क्रिएट करो, प्रॉब्लम रिएक्शन सॉल्यूशन, तो ये पार्ट ऑफ दैट मेंटालिटी है, तो इसमें सम गुड है। चॉइस इन एवरी फील्ड हैज इंक्रीज्ड, खासकर उन लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। आप किसी भी सुपरमार्केट में चले जाएं आपको एक एक आइटम की 10, 15, 20 वैरायटीज मिल जाएंगी।
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई हैं, जो कि दुनिया में सफर को उसने आसान कर दिया है, लेकिन वो भी बायस्ड एंड टुवर्ड्स दोस हु पोजेस द मींस टू डू इट। आम आदमी अभी भी झोंपड़ी में रह रहा है, वो अभी भी झोंपड़ी में, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। इंटरनेशनल बिजनेस हैज इंक्रीज मैनिफोल्ड्स, ये गुड है कि इससे हमें ये इल्म हो रहा है कि अगर दीन का निजाम आता है तो इसको कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लग्जरी की परसूट में बहुत चेंजेस आई हैं, कार्स जो हैं वो पहले से बेटर बन गई हैं, एरोप्लेन्स बहुत अच्छे बन गए हैं, ट्रेन्स, हाउसेस, ऑफिसेस, लग्जरी क्रूज लाइनर्स, होटल्स, यू नेम इट, इट इज देयर। लेकिन यह है कि वो जो झोंपड़ी वाला इंसान है वो वही का वही हमने रखा हुआ है, उसके लिए हमने हालात बेहतर नहीं किए। ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, तो इसमें भी हम बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं। जहाँ थोड़ा बहुत गुड है वहां पे आप ये भी देखें, पोर्नोग्राफी बढ़ गई है, प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड लेबर, इम्प्रिजनमेंट ऑफ पुअर एंड कलर्ड फार्मर्स, लेबर क्लास, पुअर इन जनरल, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड और बढ़ी हुई है, डिलिबरेटली बढ़ी है। नेक्स्ट है फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल हैज बीन कर्टेल्ड, मोर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, मोर सिक्योरिटी चेक्स, मोर हरासमेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम ज़हन में हमें रखने चाहिए। अभी हम देखते हैं कि साइंटिफिक अप्रोच क्या है, looking towards the purpose of life. Appearance of human beings is through the process of evolution. Science में सारे हम यही सुनते हैं कि evolution के जरिए हुआ है, evolution के जरिए mind में ये आ गया है तो इस तरह ये बन रहा है। तो उसमें हम कोई creator नहीं लाना चाहते दरमियान में कि evolution एक process को follow कर रहा है, एक law को follow कर रहा है। Survival of the fittest की आम बात की जाती है, यानी कि जो ताकतवर है, might is right, वही आता है कि जो गरीब पीछे रह गया है उसके सर पे दो और बोरियां रख दो। नेक्स्ट है वी अंडरस्टैंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, इस तक तो हम समझते हैं इस बात को टू सम एक्सटेंट, नॉट एवरीथिंग बट सम एक्सटेंट, लेकिन इमर्जेंट इवोल्यूशन में ये स्ट्रगल कर रहे हैं। हाउ डिड आई और कॉन्शियसनेस जो ये कहां से आ गई है? लेकिन अगर एनिमल तक तो ठीक है, ब्रेन जो है वो इतना कुछ सोच रहा है कि अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन का, लेकिन जहां हम अपने मुतलक कॉन्शियस हो गए हैं, यानी कॉन्शियसनेस इज अवेयर ऑफ इट्स ओन कॉन्शियसनेस, व्हेन थिंकिंग अबाउट थिंकिंग आ गई है तो उसकी उसका सवाल नहीं, जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन बजाय कि उसका हम ढूंढे अल्लाह की किताब में, इन सारों की कोशिश ये है कि हम देखें थ्रू साइंटिफिक मेथड, और वहां से इनको मिल नहीं रहा। वी डू नॉट येट अंडरस्टैंड द इमर्जेंस ऑफ द ह्यूमन माइंड फ्रॉम द फिजिकल ह्यूमन ब्रेन, ये हमारे सामने है। न्यूरो साइंस, बायोलॉजी, साइकोलॉजी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये उनको वो आंसर नहीं मिल रहा। तो वो जो है उसमें नेक्स्ट जाए, वी आर डिफाइंड बाय आर फिजिकल सेल्फ व्हेन आर फिजिकल बॉडी डाइज, सारे यही कहती हैं कि हेयर आफ्टर कोई नहीं है, जब हमारा जिस्म यानी कि ब्रेन डेड हो जाता है हम डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू फॉलो पर्सनल डिजायर्स। असल बात यह है कि जितनी भी साइंस की दुनिया है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो अपनी डिजायर्स को फॉलो कर रहे हैं और उस डिजायर में वो नहीं चाहते कि क्या नाम है कोई चीज हिंड्रेंस बने। वो समझते हैं कि हिंड्रेंस बनेगी अगर हम एक क्रिएटर को बीच में ले आए, एक हायर पर्पज ऑफ लाइफ को बीच में लाए। तो नेक्स्ट है ये जो नेक्स्ट पॉइंट्स है, ये मैंने लिखे हैं बिलीफ सिस्टम्स क्या हमें दे रहे हैं। ये सम है, बेशुमार है, इसके इंसान जितना एक्सक्यूजेस बना सकता है वो बना सकता है। तो ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड टू वर्शिप गॉड विद अ व्यू टू प्लीज हिम, तो ये है एक तो एम, ये है हम इसके मतलब जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। चॉइस एंड इंटेंट तक तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह के पास भी चॉइस एंड इंटेंट है। तो हर इंसान, हर सेल्फ जो है वो एक अलहदा यूनिट है, उसको ये इस किस्म के भी कॉन्सेप्ट है इंसान ने बनाए हुए टू मिसलीड हिमसेल्फ। देयर इज अ लाइफ इन द हेयर आफ्टर एंड द वर्डिक्ट देयर इज बेस्ड ऑन द फॉरगिवनेस एंड मर्सी ऑफ गॉड, तो ये है कि अगर हेयर आफ्टर है भी तो वो जो है अल्लाह की मर्सी जो है ना उस पे और फॉरगिवनेस पे हमारी जिंदगी चलेगी। यहाँ हम जो चाहे करें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, वहां पे जाके हम अल्लाह से फॉरगिवनेस और मर्सी मांगते हैं, यानी अल्लाह की जात इनके ख्याल में ना इंसाफ है। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, चले बात ही खत्म होगी कि फादर जो है वो चूंकि बच्चों को लुक आफ्टर करता है इसलिए अल्लाह को गॉड को फादर बना दो, बात गुजारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये ज़हन में नहीं आता कि जो फादर अपने बच्चों को अब्यूज करते हैं उनके मतलब क्या ख्याल है, उसको चुप करके ये ओमिट कर देते हैं।
नेक्स्ट है आवर सेल्फ या सोल इज सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, और ये वापस चली जाएगी, ये मिस्टिसिज्म का जो वो है, जितना भी मेडिटेशन और इस किस्म की ये बातें होती हैं उसमें आ जाती है। ह्यूमन लाइफ इज साइक्लिकल, ये कॉन्सेप्ट है कि जी आप डिफरेंट शेप्स में दुनिया में वापस आ जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये सारे जानते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए हम दुनिया में आते हैं, लेकिन फिर भी ये इसमें बिलीव करना चाहते हैं कि हम किसी और फॉर्म में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट ये है कि वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड। चलो बात ही यहाँ खत्म हो गई कि जी हमने कह दिया कि गॉड है और वो हमें लाइक करता है, ये हर फेथ में ये है, तो उसके बाद हम जो भी करेंगे हमारे लिए पैराडाइज जो है वो पक्की फिक्स्ड है। दीज आर डिजायर क्रिएटेड मीम्स व्हिच वंस स्टार्टेड बिकम एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स विद टाइम। तो पहले शुरू में कोई क्रिएट कर देता है, ये किसी का जी वो म्यूट कर लें प्लीज। तो पहले वो एक एक हम चीज क्रिएट कर लेते हैं, फिर वो एक मीम बन जाता है, वो एक पैटर्न बन जाता है, फिर वो फोर फादर्स का बिलीफ बन जाता है, बस वो फिर काम चलता रहता है, और बाद वाले इंसान इंस्टेड के एफर्ट बनाए वो एफर्ट नहीं बनाते। यहाँ पे एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ प्रीफिक्स डेस्टिनी, बात ही खत्म हो गई, किस्मत हो गई कि पहले ही अल्लाह को इल्म है कि क्या होना है इंसानों ने, तो बस ये वो उसी पे चल रहे हैं तो चलता रहेगा, बस बात खत्म हो गई, अभी उसमें करने वाली कोई बात नहीं, चूंकि अल्लाह को इल्म है मेरे फ्यूचर का, तो मुझे क्या जरूरत है अपना फ्यूचर बनाने की। बिलीव्स ऑफ अटोनमेंट, रिडेम्पशन, इंटरसेशन, मर्सी ऑफ गॉड, लव ऑफ गॉड, गॉड मिस्टीरियसली इंटरफेयरिंग इन ह्यूमन अफेयर्स, ड्रीम्स, प्रेयर्स, ये मैंने पूरी लिस्ट दी है, इसमें और आप ऐड करते जाएं यहाँ पे, तो ये सारे बहाने इंसान ने बनाए हुए हैं अपने आप को खुश रखने के लिए। ह्यूमन बींग्स कैन जस्टिफाई एनी थिंग टू अदर्स, हम कोई भी चीज दूसरे को जस्टिफाई कर सकते हैं, टू देयर ओन सेल्फ, अपने आप को भी हम कह सकते हैं मुझे ये सूट नहीं करता। आपको याद होगा ईगो सेंट्रिक थिंकिंग में मैं ये पॉइंट देखा था, अंडर क्रिटिकल थिंकिंग, आवर डिजायर आर रिकग्नाइज बाई आर आई एंड एट टाइम्स वी डिलिबरेटली फॉलो आर डिजायर डिस्पाइट सीइंग द अदर साइड ऑफ अ फैक्चुअल आर्गुमेंट। बाज़ुकात हमारे सामने हकीकत साफ तौर पर आती है लेकिन हम नहीं चाहते उसकी तरफ जाना, हम कहते हैं नहीं मैंने इसकी बात नहीं माननी, मैंने कुरान की बात नहीं माननी क्योंकि मुझे सूट नहीं करता। यहाँ पे आप देखें मैंने ये एक फिगर ड्रॉ की है जिसका अनुमान दिया है रियलिटी ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, ये हमारी दुनिया है इर्द गिर्द जिसको हम देख सकते हैं, तो ये सारे इंसान है, आप कहने हर एक बिलियन है या थोड़ा सा कम कह लें, तो ये सारों ने अपनी अपनी रियलिटी इसको देख के बनाई हुई है, और आप देखिए इस दुनिया में कम ही होगा कि दो रियलिटी सेम होगी, हर एक ने अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिशात से एक रियलिटी बना ली है। तो अभी बात यह है ना कि ये रियलिटी ठीक है कौन सी, जो भी इन्होंने चॉइसेस बनाए हैं चॉइस बना के ये बना ली है। तो यहाँ पे जो कुरान है उसने यहाँ पे कहा है कि अल्लाह एंड द कुरान पर्पज ऑफ ह्यूमन क्रिएशन एंड द लॉ ऑफ रिक्वायटल वर्क कर रहा है, ठीक है जी, और अल्टीमेट रियलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ये है कि वो ईमान लेके आए, अमाले साले करे, उसकी वो रियलिटी इन सारों की रियलिटी से डिफरेंट होगी। तो इस तरह हम खुद अपनी रियलिटी अगर क्रिएट करते हैं कुरान पे बेस करके, तो वो एक न्यू वर्ल्ड व्यू होगा, चाहे ये दुनिया भी चेंज नहीं हुई लेकिन हम इन सारे हजरात की रियलिटी से परे मूव कर जाएंगे क्लियरली कि हमारी जो रियलिटी है हमें ये रियलिटी नहीं चाहिए ये जो लोग बना रहे हैं इस दुनिया से, हमें एक नई रियलिटी चाहिए। तो ला महला इसका मतलब यह है कि इससे हमें फुल्ली डिससेटिस्फाइड होना चाहिए, अगर हम इसकी कोई चीजें लाइक करते हैं तो फिर हम इन्हीं कैटेगरीज में होंगे, हम इसमें मूव नहीं करेंगे, तो ये बैरियर रहेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे दो कोर्सेज ऑफ एक्शन मैंने ये डिफाइन किए हैं बड़े सिंपल से, बेसिक ह्यूमन बीइंग यहाँ पे है वो क्या करता है, pursues his own desires through the use of own intellect, the man-made world, वही जो कि पहले हम मैंने दिखाया आपको, वो battle system, non-Quranic beliefs, accept the system willingly, no desire to change it, ये willingly बड़ा important है यहाँ पे, कि आपने system को willingly accept किया हुआ है या unwillingly accept किया है, और आपको इसके इल्म, हमें इल्म होना चाहिए, thinking and deeds influenced by the Iblisi system, relative values, living life as if it ends with death, तो ये एक पैटर्न है, ये हमारा चॉइस है, इसमें सारी वेरिएशंस आ जाती हैं। तो दूसरा जो है वो यहाँ पे ये है कुरानिक पाथ है जिसमें डिजायर्स और इंटेलेक्ट जो है हम कुरान के अंदर ले आते हैं, देखिए यहाँ से अनविलिंग होके हम यहाँ पे आ गए हैं, हम सीक करते हैं पर्पस ऑफ लाइफ विच लीड्स टू सीकिंग गाइडेंस, यतीम एंड मिस्कीन के इश्यूज हमें नजर आते हैं और हम उनसे बहुत अनहैप्पी हैं, और ईमान जो है वो लीड करता है हमें टू अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, अ न्यू लाइफ, अ न्यू सीड वी क्रिएट विद इन आवर ओन सेल्फ, स्ट्रेंथनिंग इट थ्रू डिलिबरेट अमाले साले
याद है आपको अमाले साले का तअल्लुक फियर ऑफ डेथ के साथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, हायर द फियर ऑफ डेथ हम अमाले साले लेस कर रहे हैं, हमें चाहिए ज्यादा करें। एक्वायरिंग बिर फॉर द सिस्टम ऑफ दीन, बिर का मतलब है कि अपनी जो अकल है उसको वसत दें। यहाँ पे नेक्स्ट अभी इकबाल की यहाँ पे मैं लेके आया हूँ एक उनकी फ्यू फिर कोट्स हैं, डिवाइन नॉलेज मस्ट बी कंसीव्ड एज अ लिविंग क्रिएटिव एक्टिविटी टू विच द ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर टू एग्जिस्ट इन देयर ओन राइट आर ऑर्गेनिकली रिलेटेड। ऑर्गेनिकली का रिलेटेड का मतलब ये होता है ये जो हमारी जिंदगी में जो भी काम आ रहा है, हमारी सारी थॉट्स, हमारी बॉडी ये ऑर्गेनिकली रिलेटेड है। बाय कंसीविंग गॉड्स नॉलेज एज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग मिरर वी नो डाउट सेव हिज फोर नॉलेज ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने बनाई है, आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल जो इकबाल को पढ़ते हैं इसको समझे हैं इस स्टेटमेंट को। यहाँ पे इकबाल ने बहुत बड़ी हकीकत की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है कुरान की रोशनी में। उन्होंने यह कहा है कि अगर हम यह कहें कि अल्लाह का जो जितना भी नॉलेज है वो एक रिफ्लेक्टिंग मिरर की तरह है कि जो अल्लाह की जात चाहती है वो उसको नजर आ रहा है। मिरर में क्या होता है, हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें वही नजर आ रहा होता है जो हम देखना चाहते हैं, यानी कि अपने आप को। तो अगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह की सारी जो क्रिएशन है उसमें उसको एग्जैक्टली पूरे का पूरा इल्म है कि वो जिंदगी जो है वो किस तरह चलेगी, तो उसमें कोई शक नहीं, हम कहते हैं कि अल्लाह की जात अलीम है, इसमें शक नहीं। लेकिन यहाँ पे वो कहता है मसला ये हो जाता है कि अगर हम ये करते हैं, इट इज ऑब्वियस दैट वी डू सो एट द एक्सपेंस ऑफ हिज फ्रीडम, क्योंकि अल्लाह के पास भी तो चॉइस है और इंटेंट है। तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास चॉइस एंड इंटेंट है तो मेरे पास मोर फ्रीडम है अल्लाह की निस्बत, क्योंकि मैं अपना चॉइस बना सकता हूँ, खुद अपनी मर्जी से उस पर फैसला भी कर सकता हूँ। लेकिन अल्लाह की जात जो है उसने हर चीज बना दी है, अभी जो जो कुछ हो रहा है उसके सामने वो उस तरह हो रहा है जिस तरह के उसने बनाया है बस। और ये अल्लाह की फ्रीडम जो है वो कर्टेल हो गई है, यानी कि अल्लाह की जात के पास लेस फ्रीडम है एज कम्पेयर टू द मैन हु इज मेकिंग अ चॉइस। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज की प्रेजेंटेशन से हमने लेके जाना है और इस पे हमने गौर भी करना है। द फ्यूचर सर्टनली प्री एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनिक होल ऑफ अल्लाह क्रिएटेड लाइफ, इसमें शक नहीं है कि पूरे की पूरी जो इंसानी जो पूरी उसकी यूनिवर्स की जिंदगी है जिसको अल्लाह ने क्रिएट किया है वो उसके सामने है पूरे का पूरा। But it pre-exists as an open possibility. लेकिन उसकी creation की beauty ये है कि वो एक open possibility है, क्योंकि उसने choice and intent जो दिया है। जब choice and intent आप किसी को दे दें तो उसकी जिंदगी को आप map out नहीं उसके लिए कर सकते। ये है point यहाँ पे। Not as a fixed order of events with definite outlines. वो तो फिर creation तो ना हुई ना, क्योंकि वो तो एक आपने पहले ही हर चीज को lay down कर दिया। तो इंसान जो है वो जब किसी चीज को क्रिएट करता है, चाहे वो थॉट्स को क्रिएट करता है या कोई और काम करता है, तो वो एक खुद उसके ऊपर एफर्ट बना के चॉइस बना के वो कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि हमारे ये जो चॉइस इंटेंट दिया गया है इसका पर्पस क्या है। ये आगे पॉइंट जो है और सामने आएगा। अभी उन्होंने इसको खुद ही इलस्ट्रेट किया है। Suppose as sometimes happen in the history of human thought, a fruitful idea with a great inner wealth of applications emerges into the light of your consciousness. कि कोई हमारे दिमाग में कोई ख्याल आता है, लेकिन उससे पहले वो ख्याल नहीं है, ठीक है जी, मुझे इलम नहीं है कि वो ख्याल क्या आने वाला है। वो ख्याल चाहे मेरी ऑटोमेटिकली उठता है मेरे जहन में या किसी की वजह से प्रवोक होता है। You are immediately aware of the idea as a complex whole, कि आप उस idea को पूरे को समझ जाते हैं। But the intellectual working of its numerous bearings is a matter of time, लेकिन उस पे अमल करने के लिए थोड़ा time लगता है। जैसे मैंने ये presentation बनाई है, ये एक idea था। फिर मैंने सारा material इसके लिए इकट्ठा किया, फिर उसको sort out किया, कोई 50 slides मैंने बनाई, उसमें से ये 30 slides मैंने select की। तो ये जो आइडिया था वो फाइनल शेप में अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। Intuitively all the possibilities of the idea are present in your mind. If history is regarded merely as a gradually revealed photo of a predetermined order of events, then there is no room for novelty and initiation. तो अगर हिस्ट्री जो है वो सारी की सारी एक पहली प्री लेड है, तो उसमें फिर नॉवल्टी कहाँ से आएगी, उसमें एक्साइटमेंट कहाँ से आएगी, उसमें से इनिशिएशन कहाँ से आएगी।
Consequently, we can attach no meaning to the word creation, which has a meaning for us only in view of our own capacity for original action. तो अगर हमारे सामने पहले ही हमारा फ्यूचर डिसाइड किया हुआ है, जो कि किस्मत का भी बिलीफ है, तो फिर ये क्रिएशन जो है ये वर्ड उसमें फिट नहीं होता. नो डाउट द इमर्जेंस ऑफ ईगोज एंडाउड विद द पावर ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड हेंस अनफोर्सिएबल एक्शन इज इन अ सेंस अ लिमिटेशन ऑन द फ्रीडम ऑफ द ऑल इंक्लूसिव ईगो. वो एक्सेप्ट करते हैं, अलामा इकबाल कहते हैं कि इसमें शक नहीं है कि ये जो इंसान आए हैं इस दुनिया में, ये अपने स्पॉन्टेनियस और अनफोर्सिएबल एक्शन से इन्होंने दुनिया में फसाद क्रिएट किया, गुड भी किया क्रिएट और फसाद भी क्रिएट किया, और वो लिमिटेशन है अल्लाह की ऑल इंक्लूसिव ईगो के ऊपर. लेकिन अल्लाह की जात उसको देख रही है, लेकिन अपने कानून के मुताबिक उन्होंने जिस मकसद के लिए इंसान को क्रिएट किया है उसकी वजह से ये उनको टॉलरेट करना पड़ रहा है. याद है मलाइका ने कहा था, तो अल्लाह ने कहा था मुझे इल्म है कि मैं ये क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, तो अभी वो इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो वो हमें चॉइस एंड इंटेंट को पूरा चांस दे रहे हैं कि ये खुद करें. बट दिस लिमिटेशन इज नॉट एक्सटर्नली, अल्लाह के ऊपर एक्सटर्नली इम्पोज लिमिटेशन नहीं है. इट इज बोर्न आउट ऑफ हिज ओन क्रिएटिव फ्रीडम वेयर बाय ही हैज चोजन फाइनाइट ईगोस टू बी पार्टिसिपेटर्स ऑफ हिज लाइफ पावर एंड फ्रीडम. कि उसने खुद अपनी मर्जी से हमें फ्रीडम दी है ताकि हम खुद उसकी जो अल्लाह की जो क्रिएशन है उसको लाइफ वो कह रहे हैं, उसकी जो क्रिएशन है उसमें हम पार्टिसिपेट करें, उसकी पावर और फ्रीडम के जो वो हिस्से हैं जो हमें मिले हैं उनको यूज करें. और ये पॉइंट हमारे लिए एज फॉलोअर्स ऑफ द कुरान इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इसकी इम्प्लीकेशंस जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो प्रेजेंटेशंस उसमें सामने आ जाएंगी. A being whose movements are wholly determined like a machine cannot produce goodness. एक मशीन जो है वो तो वही करेगी जो उसको बताया गया है. यहाँ पे तो फ्री विल आ रही है ना, तो फ्रीडम इज दस अ कंडीशन ऑफ गुडनेस. अगर हमने गुडनेस करनी है जिसको हम गुड कहेंगे उसमें हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए कि क्या वो गुडनेस हम करना चाहते भी हैं कि नहीं. बट टू परमिट द इमर्जेंस ऑफ अ फाइनाइट ईगो which who has the power to choose after considering the relative values of several courses of action open to him is really to take a great risk. To usme shak koi nahi hai, Allah ki zaat ko ilm tha ki ye insaan jo hai jisko banaya ja raha hai aur farishton ne theek kaha tha ki ye fasad karega, ye khoon bahayega. Lekin for the freedom to choose good involves also the freedom to choose what is opposite of good. To dono samne honge to tabhi baat banegi. That God has taken this risk shows his immense faith in man. It is for man to justify this faith. ये जो line है ये है जो उनके लिए है जो कुरान को follow करने वाले हैं कि अल्लाह की जात ने जो इंसान के अंदर creation में एक faith रखा है, जो एक aim है कि ये इंसान मेरी अगली क्रिएशन का एक हिस्सा बनने वाला है, तो इस दुनिया में वो इन सारी के बावजूद वो उसका हिस्सा बने. अभी इसको हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं. लॉ ऑफ रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनिंग. द लॉ वर्क्स बोथ इन द फिजिकल वर्ल्ड एज वेल एज इन द, ये हमें पहले इल्म है. देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ दिस लॉ. मुमताज साहब ने इस पर पॉइंट किया था कि हमारा चॉइस है, एक्शन है, रिएक्शन है, रिस्पाइट है. Next, at individual level, the choices we make affect our consciousness, and over a period of time, this gradually becomes part of our cognitive makeup. If there are too many negative thoughts and deeds, agar hamare paas negative thoughts or deeds hai, then it can lead to disorders of our psyche. Aur ye visible hai. Jitne bhi psychological disorders hain, wo iski wajah se hain ki jo bhi hum galat kaam karte hain, uska natija nikalta hai. Jo good kaam karte hain, uska positive result. Collectively, if people in majority in a country become infected heavily, then the law takes an exponential turn and destructive patterns start developing rapidly. मेरे अंदाजे से ये कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द के, इतने लोग गलत कर रहे हैं कि क्या नाम है वो जो भी मसले मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं. Human psyche has some inbuilt self-limiting attributes. कि despite the fact कि law of cattle करता है, लेकिन चूंकि हमारी psyche इस तरह बनाई गई है कि उसके अंदर self-limiting attributes हैं. जब लोग ज्यादा wrong करते हैं तो कुछ ना कुछ उनके खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं. जब nations जो हैं वो exceed करती हैं limits तो दूसरे जो हैं उनके against खड़े हो जाते हैं. तो public being in majority, the rich powerful elite deep down is fearful of them. Hence use all kind of psychological propaganda to keep them subdued. यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, बिकमिंग एक्सट्रीमली कॉन्शियस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द लॉ ऑफ रिक्वायरमेंट हेल्प्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ. ये
जब हम लॉ ऑफ रिक्वायटल की तरफ से अवेयर हो जाते हैं तो हमारा सेल्फ जो है वो स्ट्रेंथ लेनी शुरू कर देता है। पुराने कमांड जो है कि जी आप गुड प्रमोट करें, अमर बिल मारूफ और नाहय अन मुनकर की बात की है कुरान ने, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी वजह से हमें स्ट्रेंथ मिलती है। हमारा सेल्फ स्ट्रेंथ नहीं होगा अगर हम ये नहीं करेंगे। सॉरी, मैंने पहले ये कर दिया। अंडर द सिस्टम ऑफ दीन दिस लॉ विल बी मेड नोन थ्रू आउट द लैंड, को दीन के निजाम में इस कानून को हर एक को हमने बताना होगा और हमें पता होगा कि इनको ये भी बताना है प्रमोट मारूफ एंड फॉरबिड ईविल, और ये बच्चों की ट्रेनिंग में भी आना चाहिए। अच्छा, यहां से एडवर्स रिएक्शन तो होगा, जब लोगों को आप गलत कामों से रोकेंगे तो आगे से रेजिस्ट भी करेंगे। व्हेन वी रिमाइंड आवर सेल्फ एज वेल एज अदर्स इट कंट्रीब्यूट्स टू आवर ओन इनर स्ट्रेंथ। The Quran has repeatedly put emphasis on conveying warnings to all around us. तो कुरान ने बार बार कहा है कि दूसरों को वार्न करें। यहाँ पे मैंने एक वर्स कोट किया है, ये आप खुद देखें। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग वर्स है जो अल्लामा इकबाल की जो लास्ट उन्होंने मैंने बात की है उसके साथ, इसको आप देखें, ये 58:7 है। यहाँ पे कहा है कि डू यू नॉट सी दैट अल्लाह डज नो दैट इज इन द हेवंस एंड द अर्थ, देयर इज नॉट अ सीक्रेट कंसल्टेशन बिटवीन थ्री, फिर आगे 4 और 5 का जिक्र है, बट ही मेक्स द फोर्थ अमंग देम, नॉर बिटवीन फ्यूर नॉर मोर, बट ही इज विद देम वेयर एवर दे मे बी। अब देखिए, पूरा कुरान आप पढ़ें, पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं, कहीं भी कुरान ने नहीं कहा कि हमें पहले ही इलम है कि आप क्या करने वाले हैं। ऑल अलोंग ये कहा है कि जब आपका कोई ख्याल आता है तो हमें इलम होता है कि आप क्या सोच रहे हैं। कई जगह कुरान ने कहा है कि आपके दिल और आपके दरमियान हम आ जाते हैं, हमें इलम होता है कि आपके अंदर क्या ख्यालात उठ रहे हैं। तो ये इससे आप देखें कि कितना बड़ा हमें अल्लाह की जात ने चॉइस दिया हुआ है कि वो कहती है कि जो आप फैसले करते हो, जो सोचते हो, हमें उसी वक्त इलम होता है जब आप वो सोचते, और ये उन्होंने खुद अपनी मर्जी से ये हमें चॉइस दिया है। Nowhere in the Quran Allah stated that he knows what some person is going to think next or going to do next. However, the Quran clearly states that Allah knows the thoughts within the hearts and minds of people. Ye aap zehn mein rakh le, choice and intent jo hai uske sath iska bada important relationship hai. Kyunki yahi se to hamari creation ki samajh aati hai. Warna to creation ki hame us tarah samajh nahi aa rahi jaise Quran hame bata raha hai ki hame samajhna chahiye. Next guy, Quran wishes us to know that we as human beings are completely free to make our choices without any fear of interference from Allah. This behavior is demonstrated by those who declare to be atheists, no religious beliefs to constrain them. For example, Professor Richard Dawkins has total freedom in this life as compared to Jews, Christians, sectarian Muslims, Buddhists, Hindus. इसमें आप देखें कि जो इंसान ये सोचता है कि मैं fully free हूँ, वो टोटली फ्री है और ये सोचता है कि लाइफ ने डेथ के साथ खत्म हो जाना है, तो उसके पास फार मोर फ्रीडम है देन समबडी हु इज रिलीजियस और जिसने अपने ऊपर खुद जंजीरें डाली हुई हैं अपने खुद बिलीफ सिस्टम की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें जहन में रखना है क्योंकि ये आगे आ रहा है। मोमिनीन है, अच्छा, मोमिनीन जो है उनके पास इससे भी ज्यादा फ्रीडम है जो डॉक्टर प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस के पास है, और वो क्या है कि फ्रीडम ऑफ एन एथीस्ट है, उन्हें पूरा पता है कि मेरे पास पूरी फ्रीडम है, मेरी जो मर्जी है मैं सोच लूं और वो जो मेरी थॉट्स हैं वो मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। नंबर वन, उसको अश्योरेंस है हियर आफ्टर की जो कि रिचर्ड डॉकिंस के पास नहीं है। इसकी वजह से उसकी जो फ्रीडम है वो बिगर एरिया में चली जाती है, वो अहाता कर रही है इस दुनिया को भी और अगली दुनिया को भी, और बाई पोजेस, और चूंकि उसका सेल्फ इसके ऊपर बेस्ड है बाई सर which is developing on the basis of the Quranic freedom, no one in the world can have such a self without following this path. Koi bhi self jo hai wo is freedom ko enjoy nahi kar sakta, not even Dr. Professor Richard Dawkins, jab tak wo Quran ke andar nahi aata. Kyunki usme phir uski purpose aa jata hai life ka ki wo kitna free hai aur free kyun create kiya gaya, ye point aage aa raha hai. अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ वर्सेस कोट किए इसी के ऊपर। कुरान ने क्लियरली कह दिया ला इकराह फिद्दीन कि हमने दोनों रास्ते का तबयन और रुश्दो में नल गई है पूरे आपके सामने बता दिए, हमने आपको ताबूत का भी बता दिया, हमने अल्लाह में ईमान का भी बता दिया, और हमने ये भी कह दिया कि अगर ये तुम रास्ता फॉलो करोगे यूमिन बिल्ला वाला
लनफिसामल हा, तो आपने वो हिस्से को पकड़ लिया है अल्लाह की रस्सी को जो कभी टूटने वाली नहीं है, वो हक है, हक कभी भी आपको लेट डाउन नहीं करेगा। और याद रखो समीउन अलीम बनो अल्लाह की तरह ताकि आपको इसका इल्म हो। आगे देखें ये जो वर्स है इसके साथ ही रिलेटेड है, अल्लाह वलीज़ीना आमनू, ये देखें अल्लाह वली बनना चाहता है आमनू का, कि वो वेट कर रहा है कि जिस मकसद के लिए उसने ये क्रिएशन की है ये लोग बने ताकि इनको हेल्प दी जाए, क्योंकि ये क्रिएशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। बाकियों के साथ ठीक है वो अपनी जिंदगी जैसे असफराज फर्स्ट स्टेज है उसमें चलते रहेंगे, लिमिनल जुलुमात नूर, जो उनकी डिफॉल्ट पोजिशन थी जुलुमात की। याद है फरिश्तों ने हमें कहा था कि ये इंसान आप क्रिएट तो कर रहे हैं लेकिन ये जुलुमात के खाते में काम करेगा, तो अल्लाह ने कहा नहीं हम इसको नूर देंगे, इसको लाइट की तरफ ले आएंगे, और जब ये लाइट की तरफ ले आएंगे इन्हें समझ आ जाएगी कि ये बहुत हाई मकसद के लिए वो काम कर रहे हैं और उस मकसद में अल्लाह उनका वली है, उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, उनको गाइड कर रहा है, उनको मदद दे रहा है। लकद खलक नल इंसान फियासान तकवीन, तो उसके अंदर उसने रखी है ऐसी चीजें, ये देखें अय्यूल कयूम के साथ ये वही उसी के साथ तकवीन का वही एग्जैक्टली वही रूट आ रहा है। आसाना बड़ा बैलेंस बहुत ब्यूटीफुल, जो उसकी एक्सट्रीम फॉर्म है वो अचीव कर सकता है इंसान जो है। आप देखें अल्लामल कुरान अर्रहमान अल्लामल कुरान खलक अल इंसान, वो उसने देखे वो इंसान को वहां पे लेके आ रहा है, लेकिन वो अगर नीचे जाएगा तो बहुत नीचे गिर जाएगा। ये जो हम इर्द गिर्द दुनिया देख रहे हैं असफल साफिल दीन की दुनिया है हमारे सामने नजर आ रही है। यहाँ पे देखें नेक्स्ट फिरा क्या है, इल्ला लजीना, वो जो ईमान लेके आएंगे आसन तकवीम करेंगे हमें, तो उनके लिए अजर है गैर ममनून, अनसीज्ड रिवार्ड्स, अनसीजिंग रिवार्ड्स, और ये इस दुनिया से शुरू होते हैं क्योंकि ये अल्लाह की दुनिया है, यहीं से तो उसने अपनी क्रिएशन शुरू की है, तो गैर ममनून, और इसको उसने सम अप कर दिया है रसूलुल्लाह की जात में। और वो आप देखें यहाँ पे रसूलुल्लाह के मुतल्लिक है वह इन्ना लका लाजरन गैरा ममनून, ये अनसीजिंग रिवार्ड मिल रहा है खोले खोलों के नजीम। और ये कुरान जब ये कहा है तो ये नहीं कहा कि कोई और नहीं बन सकता, ये ओपन है फॉर एवरीवन जो कुरान को फॉलो करता है। तो यहाँ पे आप देखें वो चॉइस एंड इंटेंट क्या बन रहा है। अच्छा जी नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे साथ ही उसने कह दिया कि ये ना सोचें कि हम आपको अकेला छोड़ देंगे। ये देखें ये लॉ ऑफ रिक्वायटल की एक डिफरेंट फॉर्म हमारे सामने आ रही है। जब हजरत मूसा फेरो के पास गए हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे डर लग रहा है कि मैंने उनका कोई गलत काम किया है। वो देखें डर जो है वो एक नेचुरल अल्लाह की ज़ात सामने लेके आई है, इनिशियल स्टेजेस पे इंसान के सामने डेफिनेटली फियर आता है, तो कहा है कि डरो मत, ला तखाफा, वो देखें खौफ और हुज़्न को सेंध में रखे, कह दिया है कि ला तखाफा, अभी डरने की जरूरत नहीं है, असमा व अरा, हम देखते भी हैं सुनते भी हैं। लेकिन इसमें देखें उन्होंने ये नहीं कहा अल्लाह के ज़ात ने कि फेरो जो है ये नहीं करेगा, फेरो को पूरा चॉइस दिया हुआ है कि उसकी अपनी मर्जी से जैसे उसने रिएक्ट करना करे, लेकिन साथ ही कहे कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, अल्लाह वलीउल अज़ीन। आप देखें वहां पे वो उसके साथ रिलेट करें तो आपको समझ लग जाएगी कि अल्लाह की ज़ात होवा माकुम ऐना माकुंतुम, जब वो कहती है तो वो क्यों कहती है। जैसे अभी मैं कह सकता हूँ कि अल्लाह की ज़ात मेरी ये प्रेजेंटेशन जो है उसको देख भी रही है और सुन भी रही है। आगे ये देखें इसके अंदर बड़ा क्लियरली फिर अल्लाह ने कहा है कि जो कुछ आप कर रहे हो तातलू मिन हो मिन कुरान, जो भी देख रहे हो जो भी अमाल कर रहे हो वो सारे हमारे सामने है, कोई चीज जो है वो हमारे जो ग्रास्प है उससे बाहर नहीं है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, वो एक कानून के मुताबिक किताब मुबीन चल रही है और वो किताब मुबीन जो है हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो काम करे। ये आप वर्सेस खुद भी देख लें, इसके नीचे जो फॉलोइंग वर्सेस हैं वो देखने वाली है। आगे कहा वा नसरनहु मिनल कौमिल लजीना कज़्ज़बु बिआयातिना, हमने उन लोगों की हेल्प कर दी, वी हेल्प्ड हिम अगेंस्ट पीपल हु रिजेक्टेड आवर साइंस, उसकी हमने हेल्प कर दी जो हमारे साइंस को रिजेक्ट कर रहा था। और ये होना भी चाहिए क्योंकि जो लोग गलत हैं उनके खिलाफ हेल्प होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रिएशन का जो पर्पज है उसका हिस्सा बनते हैं तो फिर जो जिसने क्रिएट किया है वो फिर अपने कानून अपनी किताब के मुताबिक then he will help Allah वलीउल लज़ीना होगा फिर वो। فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ, और इस तरह उनके ऊपर वो आगे कॉन्सिक्वेंसेस जो के उन्होंने अपने लिए क्रिएट किए थे, और इनके इसमें साइन है उनके लिए
वेरली दिस इज अ साइन, लेकिन इसमें यह है कि जो लोग इसमें बिलीव नहीं, ईमान नहीं लाते, उनको ये बात समझ नहीं आएगी, यानी कि ईमान वालों को ये बात समझ आ जाएगी, यानी हमें समझ आ जाएगी। और ये क्यों होता है, व इन्ना रब्बका लहुवल अजीज अर रहीम, क्योंकि वो अजीज भी है और रहीम भी है। उसने दुनिया आगे लेके जानी है, यहाँ पे तो नहीं वो छोड़ सकता कि ये जो मर्जी इंसान करता रहे, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, ये ऐसे हो नहीं सकता। और ये हमारा काम है कि ये इन चीजों को पूरी तरह फुल्ली ग्रास्प कर ले, मूव अवे विलिंगली फ्रॉम द वर्ल्ड विच इज अराउंड अस। यहाँ पे आप देखें एब्सोल्यूट गुड और ईविल को मैंने ये शामिल कर लिया है। ये एक पॉइंट है जो कि ह्यूमन जो फिलोसफी है उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है कि एब्सोल्यूट गुड क्या है, एब्सोल्यूट ईविल क्या है। इसको आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें खुद भी। इन अ मैन मेड वर्ल्ड द डेफिनेशंस ऑफ गुड एंड ईविल आर रिलेटिव, ठीक है जी। ये रिलेटिव वैल्यूज पे दुनिया चल रही है। जिसके पास ताकत है वो कहता है हर चीज वो जो कर रहा है वो गुड है। आप वेस्ट में भी देखेंगे जितने भी ये पावरफुल कंट्रीज हैं वो ये कहते हैं कि हम गुड है, दूसरे सारे दुनिया में रॉन्ग कर रहे हैं। डिस्पाइट एग्रीइंग ऑन ह्यूमन राइट्स अंडर द यूएन, ये हमें पता है, आपको याद होगा एथिकल रीजनिंग में मैंने कवर किया था कि इतने सारे इन्होंने पॉइंट्स खुद ही डिसाइड किए हुए हैं, फिर सारे के सारे उनको खुद ही वायलेट भी कर रहे हैं। फिर ह्यूमन बींग्स कैन नेवर डिसोसिएट देयर डिसीजंस फ्रॉम देयर ओन डिजायर्स, उसकी वजह यह है कि ह्यूमन बींग एब्सोल्यूट ईविल और गुड को डिफाइन कर ही नहीं सकता। Anything which is in accordance with the permanent values and the immutable principles of Allah will be good and beneficial, and whatever is against them will be evil and harmful. ये है definition absolute evil or absolute good की। और Quran जो है हमारे हाथ में है, हम उसको खुद understand करके convince होके उस पर चलें, वो हक है। जो उसके against है वो सारे का सारा बातल है। Absolute good and absolute evil is in relation to the human self. क्योंकि सारी हकीकत तो मेरे अंदर है, वो जो हकीकत मुझे उसने दी है अल्लाह की ज़ात ने, वो तो purpose of creation है, जिसको choice and intent मिला हुआ है। अगर वो जिस चीज से ऊपर जाती है, जैसे इकबाल ने कहा था ना, ego sustaining acts जो है, तो ego sustaining acts जो है वो absolute good है। ego dissolution acts जो है वो absolute evil है। जो ego sustaining acts है वो absolute good है। तो ये उसने खुद ही अल्लाह की जात ने क्लियर डिफाइन कर दिया, हमारा काम बड़ा सिंपलीफाइड कर दिया। ओनली अल्लाह वही कैन गिव अस एन एब्सोल्यूट फैक्चुअल डेफिनेशन ऑफ गुड एंड ईविल। और यहाँ पे ये कुरान की वर्स मैंने कोट की है, जो कि क्या नाम है, मैंने एक उनसे परवेज साहब के अलावा परवेज की बुक से ली है, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुर्हुन लकुम, के जो तुम्हें ये कहा गया है कि जाके कोई अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगल करो, और तुम जो है वो उसको पसंद नहीं करते, तो इसलिए वो पूरा जोर ही नहीं लगाते। तो अल्लाह ने आगे कह दिया कि हो सकता है जिस चीज को तुम डिसलाइक कर रहे हो वो आपके लिए गुड हो, तो हम तुम्हें बता रहे हैं वो गुड है, और जिस चीज को आप लाइक करते हो वो आपके लिए बैड हो। तो यहाँ पे इसको सम अप कर दिया, बट अल्लाह नोज एंड यू नो नॉट, यानी कुरान आपको बता रहा है कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अल्लाह की जात तो अपनी तरफ रिलेट करती है ना कुरान में। यहाँ पे आप देखें कि उसमें फिर कुरान ने कहा है कि तबारक अल्लज़ी नज़ल अल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। ये क्रिएशन की बात की है, ये आप खुद भी ये वर्सेस देख लें 2:23:14 में। यहाँ पे फुरकान कहा है कि यानी कि वो ईवल और गुड में आपको डिफ्रेंशिएट करके बता रहा है। यहाँ पे कहा है कि जब इंसान वो जो इंसान हड्डियां बन गई हैं पे माँ के पेट में, फिर वो जो है उसमें फिर अल्लाह की जात ने कहा है कि अल्टीमेटली उसमें एक नई सुम्मा, यहाँ पे कहा है कि सुम्मा अनशानहु खल्कन आखरा, यानी कि वो एक नई मखलूक बन गया। वो नई मखलूक क्या थी, वो एक इंसानी जो बच्चा है उसमें उसको एबिलिटी दे दी इंटेलेक्ट की, उसको एक आई दे दी, कॉन्शियसनेस दे दी। जो वर्ड यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर रहा है वह तबारक अल्लाह हो, यहाँ पे देखें तबारक अल्लाह जी, जिसमें भी ये लफ्ज बेर एक आफ आता है उसके अंदर नशो नमा आती है, उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट आती है। और आसन अल खालिकीन का है, आसन देखें वही हुसन की बात आ रही है कि ये जो हमने क्रिएशन की है इसमें भी एबिलिटी होगी हुसन क्रिएट करने की, ये भी वो काम करेगा जो अगर हम उसको, अगर वो हमारी गाइडेंस को पैदा करेगा तो बारक अल्लाह हो, तो वो अगर ये बेर काफ के नीचे वो काम करेगा तो आसन और खालिकीन, वो इस जो हमने क्रिएट किया है इसमें वो हुसन ऐड करेगा। और उसके बाद है, आप देखें यहाँ पे फिर सुम्मा इन्ना कुम हमें एड्रेस करके कह रहे हैं कि तुम्हें मौत आएगी, यानी देखें मौत को वो हमसे अलहदा करके हमें एड्रेस कर रहा है।
आफ्टर दैट अ लेंथ यू विल डाई, डेथ अलहदा होगी हमसे। सारी आप देखें गौर से कि इसमें तुमको वो कह रहा है सुम्मा इन्ना कुम, ये देखें फिर कुम आ गया कि तुम क़यामत के दिन अलहदा, यानी कि वो जो हमने ऊपर क्रिएट किया था अलहदा। और ये बाद में आप देखेंगे एक और उसमें ये चीज कवर होती है। अच्छा, यहाँ पे ये सभी सवाल पैदा हो जाता है कि जो जहन में आता है कि अल्लाह की जात ने ये सारी फर्स्ट स्टेज क्यों क्रिएट की, उसने सीधा क्यों नहीं एक मोमन को क्रिएट कर दिया नेक्स्ट लाइफ के लिए, कि जो कुछ हमने बन के वहां जाना था तो नेक्स्ट स्टेज उधर से शुरू कर देते, ये सारा जो मसले हैं इस दुनिया के आप कह सकते हैं कि मलाइका की बात सुन ली जाती। तो यहाँ पे जो बात है वो इम्पोर्टेंट है फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इफ सच अ डेवलप्ड सेल्फ इज क्रिएटेड विदाउट एनी चॉइस एंड इंटेंट बीइंग प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट स्टेज, देन दैट क्रिएशन पोजेसिंग दिस सेल्फ विल नॉट बी द सेम एज दैट क्रिएशन व्हिच हैज मेड इटसेल्फ क्रिएट अ न्यू सेल्फ थ्रू एक्वायरिंग ईमान एंड देन ग्रोइंग इट थ्रू ओन एफर्ट्स। कि वो जो अगर नेक्स्ट स्टेज जो है, अगर फर्स्ट स्टेज को खत्म किए बगैर हम शुरू कर देते हैं अलग जात, तो वो नहीं होगी, वो कभी भी वो नहीं हो सकती जो यहाँ पे खुद अपना चॉइस और इंटेंट को इस्तेमाल करके आगे जा रही है। अगर वो हो जाता तो फिर ये सारी प्रेजेंटेशन की जरूरत ही नहीं होनी थी, हम में से किसी ने भी यहाँ नहीं होना था, ये सारी जमीन के ऊपर जानवर फिर रहे होने थे, तो बस ठीक है वो इस तरह चलती रहती। लेकिन ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं COVID-19 के, वॉर्स के, कॉन्फ्लिक्ट्स के, ये कोई भी नहीं होने थे। This new self in the next stage will have the hallmarks of the first stage. कि जो next stage में जाके इस इंसान ने करना है वो लामहाला different है उस self से जो directly उस stage के लिए create होता। ये हम point भूल जाते हैं कि ये जो हमारी memory consciousness यहां से आगे जानी है, ये consciousness उस creation में काम आनी है। Only this self will have the sense of achievement to which the Quran refers a number of times. ये बहुत बड़ा subject है, इसको किसी वक्त और हम फिर इंशाअल्लाह। यहाँ पे देखें, this would have eliminated the first stage of a creation, i.e. the physical world, due to free will and intent. And through human intellect, man has changed the face of the earth. आप देखें इस दुनिया में जो इंसान ने creation की है, सिर्फ इस basis पे कि हमारी life डेथ के साथ एंड हो जानी है, ये क्रिएशन भी तो मलाइका तो नहीं कर सकते थे, इन इंसानों ने करनी थी। दिस क्रिएशन बाय मैन इज नॉट येट विद इन द कुरानिक कॉन्शियसनेस, ये भी कुरानिक कॉन्शियसनेस की क्रिएशन नहीं है। ये जब आएगी आप देखेंगे कि ये दुनिया जो है इसकी क्या शक्ल होगी। तो यहाँ पे कुरान ने खुद ही कह दिया वह अशरकातिल अर्दो बिनूर रब्बिहा वोदे अल किताब वजाब नबीना वशुहदा वकुज़ बैनहुम बिलहक वाहुम ला युज़लमून। तो ये एक नई दुनिया जो है वो इज वेटिंग टू बी क्रिएटेड थ्रू ह्यूमन हैंड्स। तो ये जो है ये हमें जहन में रखना चाहिए कि ये कुछ छोटी सी वो नहीं है हमारी जो एफर्ट है कि हम कुरान की तरफ आए हैं और इसका सोचते हैं, ये एक पार्ट ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस में अब हम मोर एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें मैंने कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नोट किए हैं। ऑप्शन वन जो है वो ये है कि ये हो सकता था कि एक एनिमल क्रिएट कर दिया जाए जिसे मैन हो, जैसे बाकी जानवर है इसी तरह के होते हैं, हमारे पास कोई चॉइस ना होता, कोई इंटेंट ना होती, एक जंगल होता जिसमें जो दूसरे जानवर भी फिर रहे हैं वो मैन और वुमेन भी बगैर कपड़ों के भागे दौड़े फिर रहे हो, तो वो आप इमेजिन कर सकते हैं। वो अभी भी आपको कई जगह पे दुनिया में, अभी तो इतने नहीं है, कुछ साल पहले आपको नजर आएंगे जहां पे इंसान कोई नहीं सोचते, बेचारे बड़े बेसिक लेवल पे रह रहे होते हैं। क्रिएट अ मैन विद चॉइस बट कैन नॉट डू एनीथिंग, ऐसा भी इंसान बन सकता है कि जो सिर्फ गुड ही करे, रॉन्ग कोई ना करे, ठीक है ना, चॉइस ना हो उसके पास लेकिन करे वो एक ही गुड, कैन ओनली डू गुड टू ईच अदर। सेकंड स्टेज ऑफ क्रिएशन बट नो एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ चैलेंजेस, नो चैलेंजेस हेंस वेरी डायरेक्टिव क्रिएटिव एक्टिविटी, नो ओरिजिनल थिंकिंग, उसमें फिर ओरिजिनल थिंकिंग कोई नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन ये है डू नॉट क्रिएट दिस फिजिकल यूनिवर्स, ये क्रिएशन ही ना, जैसे मैंने पहले आपको कहा है कि ये यूनिवर्स ही ना क्रिएट करता, वो सेकंड स्टेज से शुरू कर देता। हो सकता है ऐसी भी अल्लाह ने कोई क्रिएट की हो अपनी वर्ल्ड जिसमें ऐसे हो रहा हो, भारत ये तो हमारे सामने है, हमने तो इसी पे रीजन करना है। फोर्थ ये है वर्ल्ड एज इट इज नाउ बट इंटरफेयर कंटिन्यूसली, ये इसमें अल्लाह ने कहा कि अगर हम हर एक को पकड़ लेते जो ही उसने कोई गलत काम किया तो इस दुनिया में एक इंसान भी नहीं बचना था। लेकिन हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्स कर देते कि अल्लाह की ज़ात कहीं ना कहीं खुद डायरेक्टली इंटरफेयर करते, लेकिन अगेन वो तो हमारे सामने ये दुनिया, अगर हम अल्लाह के बिहाफ पे
इंटरफेयर करें तो वो अल्लाह की इंटरफेरेंस ही होगी जो मोमिनीन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रिएट सम मैकेनिज्म वेयर बाय चिल्ड्रन प्लान टू बी बॉर्न कुड बी इन्फॉर्म्ड बिफोर बर्थ इफ दे विश टू कम टू दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड और नॉट। तो यहाँ पे एक और भी हो सकता था कि कोई ऐसा मैकेनिज्म होता, मेरे जहन में तो नहीं है, लेकिन यह है कि लेट्स सपोज थ्योरेटिकली या हाइपोथेटिकली कि बच्चों को आने से पहले पूछा जाता है कि जनाब आपने इस किस्म की दुनिया में आना है कि नहीं, अभी COVID-19 है, आप अभी आएंगे या बाद में आएंगे। तो इस तरह के सवाल भी जहन में हमारे उठते हैं या वो होते हैं जहाँ पे बच्चे भी सवाल पूछते हैं कि आप हमें दुनिया में क्यों लेके आए हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है जो फिर किसी और प्रेजेंटेशन में हम इसको डिटेल से कवर करेंगे। लास्ट वन है जो कि रिलेटेड है, द एग्जिस्टिंग ऑप्शन लिव विद इट, ये है इस पे चुप करके हम गुजारा करें जैसे दुनिया में हो रहा है उनके साथ मिल जाए, या इसको चेंज करने की कोशिश करें जबकि कुरान ने हमें ऑप्शन दी है। तो ये अगर हम इस पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करें तो ये ऊपर वाली ऑप्शंस जो है ये फिर नल एंड वाइड हो जाती है। यहाँ पे आप देखें कि कुरान ने पूरा प्रोसीजर बता दिया है कि ये बड़ी वेल थॉट आउट क्रिएशन है हमारे सामने। यहाँ पे कहा है कि ही डायरेक्ट्स हिज अफेयर्स फ्रॉम द हेवंस टू द अर्थ, इन द एंड विल ऑल अफेयर्स गो अप टू हिम ऑन अ डे द लेंथ ऑफ व्हिच इज एज अ थाउजेंड इयर्स ऑफ योर रेकनिंग। हमें इल्म है, ये हमने वर्सेस पहले भी देखी हुई है। फिर उसके बाद कहा है ज़ालिका आलिमुल गैब व शहादतुल अज़ीज़ुर रहीम, के उसको सारा इल्म है, जो वो क्रिएशन करता है उसको एग्जैक्टली इल्म है कि व्हाई इज ही क्रिएटिंग इट, एंड देन वो अजीज भी है और रहीम भी है। ये वर्स पहले भी ये देखो एट्रीब्यूट्स आए हैं कि एक मिनट किसी का भाई वो है म्यूट पे कर दे प्लीज, वो बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। तो यहाँ पे देखें अजीज और रहीम दोनों आगे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर इंसान की क्रिएशन की बात हुई है कि अल्लाह जी आसना कुल्ला शाइन खाला का हूँ, ये वो कि मिट्टी से इंसान को क्रिएट किया करे। मैं इससे आगे जाता हूँ जिसकी वजह से मैंने, फिर उसके बाद ये रिप्रोडक्शन की बात हुई है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ये अलामा परवेज ने भी इसका जिक्र किया है कि यहाँ पे आप देखें सुम्मा सब्बहु व नफखा फीहि मिन रूहिहि, यहाँ पे उसको चॉइस एंड इंटेंट दिया गया है। जो ही उसको चॉइस एंड इंटेंट मिला है उसको कह दिया है लाकुम वजअलकुम समअ, के तुम यानी यू आ गया है, यानी उसको आई मिल गया है, रिस्पॉन्सिबल बना दिया है, चॉइस एंड इंटेंट दे दिया है, उसको फ्रीडम दे दी है। तो ये एक चीज है जो हमें जहन में रखने की जरूरत है कि मेरे पास आई है और वो आई जो है वो अकाउंटेबल है और वो उसको फर्दर डिस्कवर करना मेरी अपनी जरूरत है। अभी यहाँ पे देखें कि कॉन्टेंट्स क्या होते हैं हमारी कॉन्शियसनेस के। तो अजम्पशंस जिस किस्म के हम जिंदगी को बनाते हैं उसी तरह के हमारे कॉन्टेंट्स होते हैं। एक ये कॉन्टेंट्स है कि लाइफ एंड्स विद डेथ, तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होती हैं। सेकंड ये है कि अजम्पशन ये है कि लाइफ डज नॉट एंड विद डेथ बट बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ सिस्टम, हम ये सोचते हैं कि जिंदगी खत्म नहीं होनी, लेकिन बाकी सारा बिलीफ सिस्टम रिलीजियस बेस्ड होता है, कुरानिक नहीं होता। उसमें क्या होता है एग्जैक्टली वही चीजें मोर लेस होती हैं जो यहाँ पे है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों कॉन्शियसनेस वी कैन सी अराउंड अस। ये कुरान वाली कॉन्शियसनेस है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, उसमें बेस्ड होता है कि कुरानिक ईमान पे बेस्ड होती है। The human life at self's level goes beyond physical death. Allah's self as a model यहाँ पे होता है और permanent values होती हैं और manifest these to establish them. इसमें नुक्ता मास का ये नहीं होता कि मैंने अपनी salvation लेनी है religion की तरह जो यहाँ पे थी, बल्कि नुक्ता मास का ये होता है कि मैंने ये दीन बनाना है। ये जो इस consciousness वाला इंसान है वो इनसे और इनसे तो जान छुड़ा के यहाँ पे पहुंचा होता है। ये ज़हन में रखें कि ये यहाँ पे वो एक दिन में नहीं पहुंचा होता, वो इस दुनिया से फेड अप होके ये अपने अंदर लेके आता है। जब वो उसके अंदर ये आ जाती है तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो दुनिया के साथ से खत्म हो जाता है, उसके अंदर ये होती है नीड्स ऑफ फिजिकल लाइफ एज अ सेपरेट एंटिटी कॉन्शियस, वो इसके मतलब कॉन्शियस होता है लेकिन ये उसकी जो एक्चुअल कॉन्शियसनेस है उसका हिस्सा नहीं होता। अल फुरकान वो दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकता है। आई होप मैं ये पॉइंट कन्वे करने में यहाँ पे कामयाब हो गया। नेक्स्ट है ये वर्सेस हैं, यहाँ पे कुरान ने कहा है कि ओ मोमिनो आओ अल्लाह की दावत की तरफ जो तुम्हें जिंदगी देगा। अब देखिए यहाँ पे फिर आ गया वालमो अन्नल्लाह याहूलो बैनल मरए व कल्बेही, के वो याद रखो तुम्हारे दिल और उसके दरमियान आ जाता है, ठीक है ना, कम्स बिटवीन मैन एंड हिज हार्ट। वही जो मैंने पहले कहा है कि तुम्हें अगर जिंदगी चाहिए तो अपना दिल और उसको ना अपने पूरे को क्लियर करके उस कॉन्शियसनेस के साथ आ जाओ, याद रखो वन्ना हुआ लाई है तो शरून,
ये तो सेकंड ये है यहाँ पे, इस दुनिया को लाभ और लाभ जो है उसको समझो, उसको अंडरस्टैंड करो। ये जो नॉन कुरानिक दुनिया होती है वो इसके पीछे चल रही होती है। जो हम तुम्हें कह रहे हैं उसमें देखे, यहाँ पे लफ्ज आया हाया वानो, वो जिंदगी एकदम निकलती है ईमान के साथ, जिंदगी एकदम डिफरेंट हो जाती है। राइट इन दिस वर्ल्ड आप डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं, आप कहते हैं कि मुझे वो नहीं चाहिए, मैं उससे उसकी वजह से तो इंसानी मसले बन रहे हैं। लो काना यालमून, और इसको इल्म की हद पे हम समझ सकते हैं। ये वर्सेस ऊपर नीचे हमें जाके कुरान में वापस विजिट करनी चाहिए। ले युनज़िरा मन काना हय्या, ये वार्निंग है उनके लिए जो जिंदा रहना चाहते हैं। देखे ना, वो जिंदा के लिए, जिंदा जो सुनेगा उसी के लिए वार्निंग है, जो काफर है उसने थोड़ी ये वार्निंग सुननी है। वो तो कहता है जिंदगी मौत के साथ खत्म हो जाती है, ये कहता है नहीं जिंदगी तो आगे चलती है, मुझे ये चाहिए, मैं इसकी डिमांड करता हूँ। आगे देखे, अर रहमान हो अल्लाम अल कुरान हो खलक अल इंसान अल्लामहुल बयान। आप देखें चारों को, अगर रहमान की कुरान कह रहा है, अगर रहमान का, अर रहमान का इमरजेंट इवोल्यूशन चाहते हो, अपनी जिंदगियों में रैपिड चेंज लाना चाहते हो, अपनी जिंदगी के अंदर दुनिया की चेंज चाहते हो कि उसमें हो जाए, तो अल्लाम अल कुरान, कुरान की तरफ आओ। और ये इंसान के अंदर बिल्ट इन है, आसन अल खालिकीन जो वहां पे उसने कहा था ना कि इंसान कर सकता है ये, गैर ममनून जो कहा था वो इसके साथ आप रिलेट करें। और इसके लिए उसने आपको, हमें पूरी एबिलिटीज भी दे दी हुई है और हमें नजर आ रही है। और आगे कहा, एदना सिरात अल मुस्तकीम, तुम सिरात मुस्तकीम ढूंढ रहे होते हो, हमने तुम्हें बताया है कि सिरात मुस्तकीम एक्सप्लेन भी कर दिया पूरे कुरान में, इन अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, तो हम ये कहें वेरीली इज माई रब एंड योर रब, हिम देयर फॉर फॉलो दिस इज द स्ट्रेट पाथ, कि ये है कि जिसके ऊपर आपने चलना है। तो कुरान जो है ये उस पाथ की तरफ हमें शॉर्टकट आप कह लें जो ले जा रहा है उस तरफ के, ताकि हम जिस मकसद के लिए हम आए इस दुनिया में उसको पूरा कर सके। नंबर वन। नंबर टू ये है, वो चॉइसेस बनाएं जिन चॉइसेस से इस अर्थ का फेस जो है वो चेंज हो जाए, और वो ला महाला दीन के निजाम से होगा। कुरान की गाइडेंस जो है वो आप देखें, ये दो पॉइंट्स हैं जो कि हमारे सामने है। आप बच्चे पैदा होते हैं, ये सारा कुछ होता है, क्वाइट सम स्टेटस हायर, ये दो के दरमियान मोस्ट इंसानों की जिंदगी जो है वो गुजरती है वेरी फ्रेंकली। और नेक्स्ट जो है वो ये है, अगर हमने चेंज करनी है अपनी लाइफ को तो ये पाथ हमें लेना पड़ेगा। ये वही कॉन्शियसनेस वाली जो स्लाइड मैंने पहले बनाई थी, ये उसी की फर्दर इलेबोरेशन है, ये आप अपने टाइम में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये अभी हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। वो ये है कि द विजिबल यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड फॉर अ पर्पस एज पार्ट ऑफ अ ग्रेट केयरफुली थॉट आउट प्लान। ये बड़ा फोकस्ड है कि ये बड़ा, वो जो वहां पे अल्लाह ने कहा ना कि वो अमर जो है वो कैसे प्लान होता है, तो ये बड़ा केयरफुली प्लान है। हमें चाहिए कि इसकी प्रसीजन जो है उस पर नजर रखें, उसको ढूंढें अगर नहीं मिल रहे। नंबर टू पॉइंट, यह मैन हैज बीन प्रोवाइडेड विद एक्सटर्नल गाइडेंस एंड ऑल द रिक्विजिट इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल्स थ्रू व्हिच टू क्रिएट अ न्यू सेल्फ विद इन हिमसेल्फ सो दैट ही कैन क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। सो ये जो न्यू सेल्फ हम ईमान के जरिए यहाँ पे क्रिएट करते हैं अपने अंदर, ये हमारी अपनी एफर्ट होती है जिससे वो एक नया बीज हम बोते हैं, फिर अमाले साले से उसको बढ़ाते हैं, फिर वो अमाले साले जो जो बढ़ते जाते हैं, फियर ऑफ डेथ कम होता जाता है प्रोपोर्शनेटली। और जैसे इकबाल ने कहा है कि वो फिर गैर ममनून बन जाता है, कुरान ने कहा है ना कि गैर ममनून का अजर गैर ममनून बन जाता है, और ये मैनिफेस्ट करता है हमारी अपनी लाइफ में। और अगर दीन का निजाम बने तो ये तो बड़ा ग्लेयरिंगली सामने आएगा। In this stage, Allah has allowed man to act like a creator and to use his free will, i.e., his own choice and intent. The law of requital guides this process of creation. So, law of requital को हमने अपनी side पे लेके आना है, fully conscious होके, by helping him to remain focused and concentrated on this aim of being part of Allah's creative process. Therefore, Allah becomes man's wali if man so desires. So, Allah की जो वली होना है वो ओपन इनविटेशन है टू मैन, टू ऑल ऑफ अस। अभी ये हमारा चॉइस है कि हम उसने जिस मकसद के लिए क्रिएट किया है उसकी क्रिएशन में उसके साथ शामिल हो जाएं। हम हो रहे हैं, ये एफर्ट उसी के लिए है। द कुरान इज अ कंप्लीट बुक ऑफ गाइडेंस फॉर द ह्यूमन सेल्फ विदाउट विच मैन सिंपली कैनॉट क्रिएट दिस न्यू सेल्फ एंड देन डेवलप इट फर्दर।
For those who follow this path, their newly acquired inner reality serves as an evidence which strengthens their iman in the hereafter. तो ये जब हम पहला स्टेप ले लेते हैं उसके बाद फिर things start falling in place. Next है Allah of the Quran exists. ये fact है. आप ये पॉइंट जो है मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में कवर करूंगा कि जी अल्लाह की जात जो है वो कैसे मैनिफेस्ट कर रही है हमारी अंदर की हकीकत के अंदर जब हम उस तरफ आते हैं. He guides the mu'minin through the thick and thin of this worldly life. He is present everywhere in the universe and ensures that his laws establish their results 24/7. Those who genuinely seek truth and guidance need to look within themselves. ये है जो जो इसका नुकता है मास्क है कि वो अंदर देखे कि अंदर हमारे क्या है. We form our own reality as we continue to live our life by using our intellect, reasoning and senses. Our reality ceases to exist when we die a physical death, as our body only serves as a medium through which to manifest our reality in the physical world. तो हमारी reality जो है वो उस वक्त जब बॉडी के जरिए चूंकि उसने डिस्प्ले करना था इसलिए उसकी फर्स्ट फेज जो है वो वहां पे खत्म हो जाती है. फिर नेक्स्ट स्टेज जो है उसके बाद आगे चलेगी. ये पॉइंट जो है इट नीड्स फर्दर एलैबोरेशन तो हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में इसको कवर करेंगे. फाइनली द हेयर आफ्टर एग्जिस्ट वेदर वी एक्सेप्ट दिस और नॉट. द एविडेंस फॉर द हेयर आफ्टर लाइज विद इन दिस न्यू सेल्फ व्हिच वी एक्वायर थ्रू ईमान ऑफ द कुरान एंड व्हिच वी देन स्ट्रेंथन थ्रू अमाले सालेह. थैंक यू वेरी मच. मेरी अपॉलोजी है फॉर अ वेरी लॉन्ग प्रेजेंटेशन बट आई थॉट कि इसमें मैं कुछ शॉर्टकट ना लगाऊं और आपके सामने जैसे मैंने समझा है उसको पूरा प्रेजेंट करूं.